चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब देखिए, मैंने लास्ट क्लास में आपको कुछ क्वेश्चंस भी कराए थे, कुछ थ्योरी का पार्ट भी कराया था, और इसी में आगे हम कंटिन्यू करते हैं। और मैं आपको बताता हूँ इसी में, अगर ओब्लिक इंसिडेंस का केस होता है तो क्या होगा। लेकिन उससे पहले एक दो चीजें और मैं बता देता हूँ। जैसे शिफ्टिंग का केस मैंने आपको बता दिया था शायद लास्ट, शिफ्टिंग वगैरह के क्वेश्चन कुछ बताए होंगे, क्वेश्चंस नहीं बताए थे मेरे ख्याल से, थ्योरी बताई थी, राइट? तो अब इसमें देखिए, ये जैसे मैंने कहा था, ये वाला क्वेश्चन है फिफ्थ वाला, इसको आप कर सकते हैं। और इसमें इफेक्टिव रिफ्रेक्टिव इंडेक्स हमें निकालना है, ये भी हम कर सकते हैं। और तो मैं इसको आपको थोड़ा सा बता देता हूं, फिफ्थ वाले क्वेश्चन का आइडिया दे देता हूं कैसे आपको करना है फिफ्थ वाले क्वेश्चन का, ठीक है? ये एचसीवी का क्वेश्चन है, जैसे मैंने आपको कहा था, इसमें हमको शिफ्ट बताना है। तो शिफ्ट बताने के लिए पहले हमें रियल डेप्थ पता करनी होगी कि रियल डेप्थ कितनी है। तो अगर हम यहां से देखें, ये स्लैब है और यहां ये आई है। अब देखिए, आई और स्लैब के बीच में डिस्टेंस आपको क्वेश्चन में दिया नहीं है, स्लैब और आई के बीच में दिया नहीं है, तो आप आई को एकदम क्लोज मान सकते हैं, आई को एकदम क्लोज मान सकते हैं। और ये जो थिकनेस दे रखी है 1.2 सेंटीमीटर दे रखी है। एक क्वेश्चन में बता देता हूं, इससे आपको समझने में आसानी रहेगी कि कैसे करना है क्वेश्चन को, और जो कल मैंने आपको फॉर्मूला बताया था उस फॉर्मूले को किस तरह से अप्लाई करना है। ये फिर आपका 1.3 सेंटीमीटर, और यहाँ जो म्यू की वैल्यू है दैट इज 1.3, इसमें ये जो गैप है ये 1 सेंटीमीटर का है, और यहाँ एयर है, ठीक है? इसमें भी जो म्यू है ये 1.2 है। इसी तरह से फिर यहाँ एयर है 1 सेंटीमीटर, और ये भैया माइक अपना म्यूट करिए, आपकी आवाज आ रही है यहाँ से, डिस्टर्ब हो रही है क्लास। जिन लोगों का माइक चालू है वो अपना माइक म्यूट कर लें। और इसमें म्यू की वैल्यू 1.4 और ये 1.4, और यहां एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है O, और वो ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर नीचे है, वो ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर नीचे है। मैंने 3 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, आपको मैसेज कर दिया था, जिसको पुराने वीडियो अगर कभी देखने हो, ठीक है? तो मैंने बताया था आपको मेमोरी का दिक्कत था, वो शॉर्ट आउट हो गई, तो मैंने अपलोड कर दिए। आज भी मैं 1 या 2 वीडियो अपलोड करूंगा, लेकिन सीक्वेंस में ही आएंगे। आप सोचें कि आज वाला मैं अपलोड कर दूंगा, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इससे पहले 2 या 3 वीडियो जो है वो पहले मैं अपलोड करूंगा, उसके बाद आज और कल में ये सारे अपलोड हो जाएंगे। तो ये देखिए, अब इसमें क्वेश्चन में पूछा है कि शिफ्ट कितना होगा। शिफ्ट निकालने के लिए पहले हमें x और x डैश निकालना होगा। अब ये x और x डैश क्या है ये आपको बताइए। तो ये मैं थोड़ा सा स्क्रीन को इसको तो हटा देता हूँ टेम्परेरी थोड़ी देर के लिए। अब ये है देखिए, तो अब इसमें ये सिचुएशन है, तो इसमें x हम निकालेंगे, तो x तो रियल डेप्थ होता है, रियल डेप्थ, x रियल डेप्थ है, ठीक है? ये अपना माइक म्यूट करो हिना, तो रियल डेप्थ हम यहां से निकालेंगे। देखिए क्वेश्चन में आई और इसके बीच का डिस्टेंस दिया नहीं है, तो हम ये मान के चलेंगे कि आई एकदम क्लोज है, आई एकदम क्लोज है इसके, ठीक है? तो अब इसमें ये जो डिस्टेंस हो गया, यहाँ डेप्थ हो गई, वो पूरा यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस चाहिए, तो ये 1 सेंटीमीटर है। तो मैं ऊपर से स्टार्ट करूं, तो
आप देखिए 1.2 प्लस 1 हवा का, फिर 1.3, फिर उसके नीचे एयर का, फिर 1.4 और फिर उसके नीचे एयर का, यही तो है। तो अब आप इसको ऐड कर लो, ये आपका ऐड करने के बाद 6.9 आ जाएगा, 3, 4, 7 और 2, 9, 6.9 सेंटीमीटर। अब आ जाता है अपेरेंट डेप्थ, अपेरेंट डेप्थ यानी कि एक्स डैश। ये एक्स डैश निकालने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स डैश निकालने के लिए वही जो मैंने फॉर्मूला आपको बताया था कि जो मीडियम है उनको लिखते जाओ म्यू से डिवाइड करके। तो ये तो यहाँ जो है वो तो जीरो मान लूंगा मैं, क्योंकि दिया नहीं है वो, ठीक है। और अब इसमें आगे पहले हम यहां से स्टार्ट करेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 1.2 डिवाइडेड बाय 1.2 प्लस 1/1 अगला वाला, फिर नेक्स्ट 1.3 डिवाइडेड बाय 1.3, फिर 1/1, फिर नेक्स्ट 1.4 डिवाइडेड बाय 1.4 और फिर 1/1। आपने कहा ये क्यों किया, ये भी तो मीडियम ही है ना, आप इसको भी तो स्लैब ही मान सकते हो आप। ये एक सेंटीमीटर, एक सेंटीमीटर, एक सेंटीमीटर की स्लैब है, और मैंने कहा था जिस मीडियम में ऑब्जर्वर होगा या उसकी आई होगी उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो बाई चांस वो एयर ही है यहाँ पे भी, ठीक है। तो हमने एयर लिख दिया, आपने कहा क्वेश्चन में दिया नहीं है, दिया नहीं है तो एयर मान लो फिर, है ना, वो ऑब्वियस सी बात है। अब ये आप देखोगे ये सारे सभी ध्यान से देखो, वन आ गया और सिक्स टर्म है, तो ये 6 सेंटीमीटर आ गया, तो जो शिफ्ट आएगा दैट विल बी एक्स माइनस एक्स डैश, तो 0.9 सेंटीमीटर आ जाएगा शिफ्ट, ठीक है। तो ये सिंपल है, ऐसे आप इसको कर सकते हैं, आप इसे नोट करिए, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कुछ क्वेश्चन करा रहा हूं अभी, कुछ थ्योरी का पार्ट कराऊंगा, फिर कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। आज कोशिश करेंगे ये वाला जो पार्ट है रिफ्रेक्शन एट प्लेन सरफेस ये कंप्लीट हो जाए, देन वी विल मूव टू रिफ्रेक्शन एट कर्व्ड सरफेस। और उससे भी पहले हाँ एक चीज टी आई आर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी आएगा उससे पहले, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, देन वी विल कम टू रिफ्रेक्शन एट कर्व्ड सरफेस, सिंगल कर्व्ड सरफेस, और फिर उसके बाद डबल कर्व्ड सरफेस यानी लेंस। तो ओवरऑल रिफ्रेक्शन काफी बड़ा टॉपिक है, लेंस आएगा फिर देन प्रिज्म आएगा, तब जाके हम टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप और उसके एंड में पहुंचेंगे। तो ये आप नोट कर लीजिए। अब हम आ जाते हैं इसके बाद एक और क्वेश्चन में आपको शो करता हूं। अगला भी क्वेश्चन टफ तो नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा मैं कहूँगा हल्का ट्रिकी जरूर है, ये वाला क्वेश्चन है। तो आप देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द इफेक्टिव रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड इन कंटेनर टू, कंटेनर टू साइड में जो है, इन विच विल प्रोड्यूस द सेम शिफ्ट इन पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट ओ एज प्रोड्यूस बाई द थ्री इमिसिबल लिक्विड, इमिसिबल यानी जो मिक्स ना हो, ठीक है, टूगेदर इन कंटेनर वन। Height of liquid in container 2 is equal to the total height of the three liquid in container 1, ठीक है, ये दे रखा है। अच्छा सवाल है और टफ तो नहीं कहूंगा मैं इसको, इजी ही है, लेकिन इसकी अप्रोच थोड़ा सा आपको समझनी होगी। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि इन दोनों में जो शिफ्ट आए ना वो शिफ्ट सेम आनी चाहिए, इन दोनों में जो शिफ्ट आए वो सेम आनी चाहिए, ठीक है। अब सेम शिफ्ट तब आएगी क्योंकि क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ये जो रियल डेप्थ है यानी लिक्विड दोनों में भरे हुए हैं वो तो सेम है, ठीक है, एक्स रियल डेप्थ सेम है। जैसे पहले वाले कंटेनर को देखो, तो पहले वाले कंटेनर में आप देखेंगे D1 प्लस D2 प्लस D3 ये एक्स की वैल्यू है, D1 प्लस D2 प्लस D3 ये एक्स की वैल्यू है, और इसमें जो शिफ्ट होगी क्योंकि दूसरे वाले कंटेनर में भी इतना ही डेप्थ है, ठीक है। अब देखिए ये आपने नोट कर ही लिया होगा, तो ये तो मैं हटा देता हूं। इसमें पहले रियल डेप्थ की बात कर लेते हैं, तो रियल डेप्थ दोनों कंटेनर में कितनी आएगी, D1 प्लस D2 प्लस D3, और लेट वो D कह दिया मैंने, ये दिया नहीं मैंने अपनी तरफ से मान लिया, ये D कह दिया ये, और दोनों के लिए सेम है, दोनों के लिए सेम है, ये क्वेश्चन में बताया है। आप पढ़िए लास्ट लाइन में कहा है ना कि हाइट जो है लिक्विड की वो सेम है, सेम इन टू कंटेनर, इन बोथ कंटेनर ऐसे कह लेते हैं, सेम इन बोथ कंटेनर। अब आप देखिए कि दोनों के लिए शिफ्ट अगर हम निकालेंगे तो शिफ्ट होता है डेल्टा एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस एक्स डैश, ठीक है, ध्यान से सुनना।
अब ये जो x है ये दोनों के लिए सेम है और शिफ्ट सेम डिमांड कर रहा है, तो x डैश दोनों का सेम होना चाहिए कि नहीं? आपको मेरी बात शायद समझ में आई हो। ये कह रहा है कि ये सेम होना चाहिए, ये सेम होना चाहिए, ये सेम है तो ये भी सेम होगा, ये सेम है ये रियल, और ये कह रहा है क्वेश्चन में सेम होना चाहिए, तो फिर x डैश को सेम होना पड़ेगा। तो अब x डैश वन यानी कंटेनर वन के लिए लिख रहा हूं, कंटेनर वन के लिए लिख रहा हूं, i और पहले वाले जो ऊपर वाला लिक्विड है उसकी हाइट नहीं दी है तो आप उसको इग्नोर करके चलेंगे, और i को ये नहीं बताया कौन से मीडियम में, तो आप उसको वाटर सॉरी एयर मान के चलेंगे। तो यहाँ पे हम जब इसको लिखेंगे तो d1 अपॉन म्यू वन, मैंने बहुत ही आसान तरीका आपको बताया, म्यू टू और d3 अपॉन म्यू थ्री ऐसे कर लेंगे और इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे वन से, ये आपका x1 डैश आ गया, वन का मतलब यहाँ पे कंटेनर वन में, ठीक है। इसी तरह से मैं थोड़ा सा बोर्ड को और बड़ा कर देता हूँ, अगर आपको विजिबल ना हो रहा हो वैसे आप डबल क्लिक कर सकते हैं वीडियो वाली स्क्रीन पर तो वो स्क्रीन बड़ी हो जाती है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए इसी तरह से x2 डैश यानी कंटेनर टू, कंटेनर टू तो आपने फिगर तो देख ही लिया होगा, कंटेनर टू में पूरा एक ही लिक्विड भरा हुआ था और वो लिक्विड d अपॉन म्यू इफेक्टिव या म्यू इक्विवेलेंट, जैसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते थे ना उसी तरह से म्यू इक्विवेलेंट निकालना है, इफेक्टिव म्यू निकालना है, और ये d है, और ये अगर आप देखो तो d की वैल्यू बताई है कि इसकी हाइट जो दी नहीं है, d मैंने लिखा है वो इसके बराबर ही है, तो ये ध्यान रखना, ये ऊपर मैं जो लिख रहा हूं इसका मतलब ये नहीं तीन लिक्विड है, एक ही लिक्विड है जिसकी मोटाई या थिकनेस या हाइट वो इन तीनों के बराबर है और डिवाइडेड बाय म्यू इक्विवेलेंट। अब ये सेम होना चाहिए क्योंकि ये दोनों का सेम फॉर बोथ, ये सेम फॉर बोथ या ऐसे लिखो सेम इन बोथ कंटेनर, ये सेम है ये डिमांड कर रहा है सेम, तो दिस हैज टू बी सेम। अब यहां से इन दोनों को आप इक्वेट कर सकते हो और इक्वेट करोगे तो ये आ जाएगा एक्स वन डैश और एक्स टू डैश, तो ये आ गया आपका d1 प्लस d2 प्लस d3, ये आपका म्यू वन, ये म्यू टू और ये म्यू थ्री, और इधर d1 प्लस d2 प्लस d3 डिवाइडेड बाई म्यू इक्विवेलेंट या म्यू इफेक्टिव, बस तो आंसर आ गया, बदल लिया हो बाकी बदल लिया, तो म्यू इक्विवेलेंट आ गया आपका यहां से, ठीक है, और म्यू इक्विवेलेंट आ गया आपका d1 प्लस d2 प्लस d3 डिवाइडेड बाई d1 अपॉन म्यू वन, d2 अपॉन म्यू टू और d3 अपॉन म्यू थ्री, ठीक, ऐसा एक फॉर्मूला बन जाएगा। अब इसमें देखिए मैं पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ, एक पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ कि अगर दो लिक्विड होते तो तीन का बता दिया फॉर टू लिक्विड्स, तो ये म्यू इक्विवेलेंट हो जाता आपका d1 प्लस d2 अपॉन d1 अपॉन म्यू वन और d2 अपॉन म्यू टू, ठीक, और लेट एक पॉसिबिलिटी और d1 और d2 बराबर है, अगर d1 d2 बराबर है तो यहाँ 2d हो जाएगा, यहाँ d आ जाएगा, कॉमन आके कैंसिल आउट होगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो म्यू इक्विवेलेंट का फॉर्मूला बन जाएगा वो देखिए 1 प्लस 1 2, यहाँ 1 अपॉन म्यू 1 1 अपॉन म्यू 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और ये म्यू 1 म्यू 2 ये ऊपर चला जाएगा, तो 2 म्यू 1 म्यू 2 अपॉन म्यू 1 प्लस म्यू, ठीक है, तो ये आ गया, ये दो के लिए आ गया, इसी तरह से तीन के लिए बनाना चाहो यहाँ पे तो थ्री आ जाएगा, ये कॉमन आके डी चला जाएगा, अगर ये डी वन डी टू डी थ्री बराबर कर दिए जाए तो यहाँ पे आप देखोगे डी प्लस डी आ जाएगा, डी अपॉन म्यू वन डी अपॉन म्यू टू डी अपॉन म्यू थ्री, डी कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा तो ये थ्री अपॉन वन अपॉन म्यू वन वन अपॉन म्यू टू वन अपॉन म्यू थ्री, इस तरह से आप इसमें कर सकते हो, ठीक है, तो ये आप चाहे नोट कर लें, ये अगला क्वेश्चन हो गया डीबीबी में, मैंने बता दिया है। चलिए हम आगे देखते हैं, आप इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। अब इसमें देखिए आगे और भी कुछ क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है,
आपने नोट कर लिया है तो मैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। अब देखिए ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन सेवन कह रहा है, अप टू व्हाट हाइट अ कंटेनर एच मस्ट बी फिल्ड सो दैट इट अपीयर हाफ फिल्ड विद वाटर। ठीक है, ये आसान क्वेश्चन है। कहा कह रहा है कि कितना भरा जाए कंटेनर को कि आधा भरा हुआ दिखाई दे। अब आप देखिए दिखाई दे का मतलब होता है कि आधा भरे होने का आभास हो। तो मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया दूंगा। जैसे कंटेनर, आप बाल्टी में पानी भरा होता है तो आपने देखा होगा बाल्टी के बॉटम में अगर आप देखते हैं, यानी बॉटम को देखते हैं ऊपर से, तो आपको बॉटम ऊपर रेज दिखाई देता है बाल्टी में, यानी जितना पानी है तो उसका जो बॉटम है वो बॉटम थोड़ा ऊपर दिखाई देगा। तो जितना भरा होगा उससे बाल्टी आपको कम भरी हुई दिखाई देती है। तो ये कह रहा है क्वेश्चन में कि आधी भरी हुई दिखाई दे, मीन्स आधे से ज्यादा भरी होनी चाहिए या कम भरी होनी चाहिए? ज्यादा भरी होनी चाहिए। अब वही ज्यादा निकालना है, यानी यहां पर आपको एपरेंट डेप्थ दे दी है। ध्यान से सुनना मेरी बात, एक ही लाइन में क्वेश्चन खत्म है। एपरेंट डेप्थ दे दी है कितनी, h/2। मान लो बाल्टी में जो पानी, बाल्टी की जो हाइट है वो तो h है ना, वो तो h है और आधा भरा हुआ दिखाई दे, समझना। तो ये x आपको निकालना है कितना वास्तव में भरा हो, कि हमको जो x डैश है वो h/2। कंटेनर की हाइट h है तो आधा भरा हुआ दिखाई देने का मतलब h/2 दिखाई दे एपरेंट, और हमसे डिमांड कर रहा है कि x निकालो। तो आप जानते हैं फॉर्मूला होता है, हम रियर से देख रहे हैं तो कम दिखेगा, तो ये x अपॉन म्यू, x डैश की वैल्यू x अपॉन म्यू बताई थी, x डिमांड कर रहा है, म्यू को आप इधर ले आओ, आंसर आ गया आपका। म्यू की वैल्यू पानी के लिए 4/3 होती है और दे भी रखी है, तो ये आ गया 2h/3। अच्छा, ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, यकीन मानिए इसके आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, ये क्वेश्चन के आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, पूछ लेगा, फिर बाद में ना कहना बताया नहीं था। तो अभी देखो ये आगे के लिए, और एक चीज मैं बता दूं, ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट आ गया आपके पास। स्टैंडर्ड रिजल्ट का मतलब ये है कि बाल्टी आधी भरी हुई दिखाई देने का मतलब है कि 2/3 भरी होनी चाहिए, क्योंकि मैंने म्यू की वैल्यू भी स्टैंडर्ड लिया 4/3 जो पानी के लिए होती है। तो 2/3 अगर बाल्टी को भर दोगे, कंटेनर को भर दोगे, तो आधा भरा हुआ दिखाई देगा अगर 2/3 भर दोगे। इसी को अदर वे में ऐसे पूछ लेगा कि कंटेनर को कितने परसेंट भर दिया जाए, कंटेनर को कितने परसेंट भर दिया जाए कि 50% भरा हुआ दिखाई दे। बात तो वही हुई, क्योंकि एरिया में तो कोई चेंज आ नहीं रहा है, हाइट में आ रहा है। ये सब नॉर्मल इंसिडेंस के केस हम डिस्कस कर रहे हैं अभी, पब्लिक इंसिडेंस का तो मैंने केस ही नहीं बताया अभी आपको, ठीक है, नॉर्मल इंसिडेंस के केस हम डिस्कस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन में कहेगा कि बाल्टी को कितना परसेंट भर दें कि वो 50% भरी हुई दिखाई दे, तो हाफ मतलब 50% होगा, 2/3 को परसेंटेज में बदलोगे तो 66.66 कह लो, या राउंड ऑफ करोगे तो 67% कह सकते हो आप इसके करस्पॉन्डिंग। तो 67% अगर भर दोगे तो बाल्टी 50% भरी हुई दिखाई देगी, एक स्टैंडर्ड टाइप का आ गया, राइट। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा और आगे के लिए ध्यान रखोगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा है इसमें, ठीक है। इसमें ये कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ द पूल ऑफ हाइट एच फॉर्म्ड एट द बॉटम ऑफ द पॉन्ड इफ इट इज हाफ डिप्ड इन वॉटर, फुल स्टॉप के बाद लिखा है सनलाइट इज फॉलिंग एट एन एंगल ऑफ 45 विद वर्टिकल। बढ़िया क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन थोड़ा सा है तो वही कॉन्सेप्ट के, लेकिन हर क्वेश्चन में कुछ डिफरेंट टाइप की अप्रोच है, कॉन्सेप्ट वही है, अप्रोच डिफरेंट है, ठीक है। अब देखिए नॉर्मली शेडो वगैरह की अगर हम बात करते हैं तो शेडो तो हम निकाल भी सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या है आधे में पानी भर दिया है, कोई बात नहीं। तो बस अप्रोच अगर सही पता है आपको तो क्वेश्चन आप सही से कर लेंगे। देखिए ये इतना पानी भरा हुआ एक पोल है और वो पोल आधा डूबा हुआ है पानी में, यहां से ऐसे करके सनलाइट आ रही है, ऐसे 45 डिग्री के एंगल पर आ रही है। अब देखिए आप जानते ही हो कि शेडो जो बनती है उसका कारण क्या होता है, क्योंकि यहां से जो लाइट आएगी, पानी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, लाइट ऐसे अगर आती है
तो ये बीच में ये पोल आ जाता है, तो ये क्या करता है, लाइट को ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है, क्या कर देता है, लाइट को ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है, रोक देता है, तो वो आगे सनलाइट पहुंच ही नहीं पाती, इसलिए शेडो बन जाती है। शेडो मतलब डार्क होता है ना। अब लेकिन इसके ऊपर जो लाइट आ रही है वो तो पहुंचेगी और वो यहां पहुंचेगी, फिर पानी में बेंड भी हो जाएगी, तो इसमें भी क्या होगा कि जो सनलाइट यहां आ रही थी वो सब आगे पहुंचेगी, लेकिन इसके पहले जितनी आ रही थी वो सब ब्लॉक हो जाएगी। तो मुझे देखना होगा कि ये वाली जो लाइट यहां से ऊपर तो मिल रही है, तो ये लाइट कहां तक पहुंचेगी, तो ये अगर मैं आगे एक्सटेंड करता हूं तो ऐसे गई होगी यहां तक, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके बाद जो पानी का ये वाला सरफेस आप देख रहे हैं, ये वाला सरफेस यहां क्या हो जाएगा, इसका रिफ्रैक्शन हो जाएगा, रिफ्रैक्शन की वजह से ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी, यानी इसको वैसे जाना चाहिए था यहां तक, अगर ये पानी नहीं होता तो ये यहां तक जाती, और आप ध्यान से देखोगे ये 45 ये 90 तो ये 45 होगा भैया, और ये 45 है ये 90 है तो ये भी 45 होगा, तो आप 45 से समझ रहे होंगे, इतने तो स्मार्ट हो चुके हैं आप, कि ये वाली अगर हाइट पोल की एच दे रखी है, तो अगर ये 45 का एंगल होता, अगर ये पानी नहीं होता तो ये 45 दोनों एंगल 45 हो गए, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, तो ये अगर एच है तो शेडो भी एच लेंथ की बनती, बनती कब बनती, जब हमको क्वेश्चन में पानी जो इसमें दिया है वो नहीं दिया होता, राइट। तो अभी लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ, सनलाइट ऐसे आई और यहां तक तो ठीक आई, लेकिन इसके बाद ये पानी जैसे मीडियम आ गया, ये टुवर्ड द नॉर्मल बेंड होके यहां तक आ गई, तो ये जो लेंथ है ना, ये लेंथ होगी शेडो की इन एब्सेंस ऑफ वाटर, पानी अगर नहीं होता तो ये शेडो की लेंथ यहां इतनी होती एच के बराबर, बट आपको ये अंदाजा लग गया होगा कि जो लेंथ आएगी शेडो की वो एच से कुछ कम आएगी, आप देख रहे होंगे मेरे ख्याल से, और एच से कम आएगी। अब ये एच कितना होगा, यही निकालने का सिंपल मैथमेटिक्स है, सिंपल, कोई हाई फाई नहीं है, हाई फाई का मतलब कोई इंटीग्रेशन इस्तेमाल नहीं हो रहा है, डिफरेंशिएशन में बच्चों को दिक्कत होती है, मेडिकल के बच्चों की बात कर रहा हूँ खासकर, तो ये 45 है, ये 45 है, ये 45 होगा भैया, और ये भी 45 होगा, थोड़ा छोटा हो गया ये फिगर, कोई बात नहीं। अब देखिए आधा डूबा हुआ कह रहा है, तो ये ऊपर जो इसकी हाइट है वो एच बाई टू होगी पुल की, और पानी के अंदर भी एच बाई टू होगी, राइट। आप देखिए कि ये 45 है, ये 45 है, ये एच बाई टू है, तो ये वाला कितना होगा भैया, ये वाला कितना होगा, एच बाई टू, ठीक है, ये एच बाई टू है, और अब मुझे ये लेंथ निकालनी शेडो की लेंथ एल, तो अगर ये पार्ट पता लग जाए, ये वाला, ये अगर पता लग जाए लेट एक्स है, तो जो लेंथ ऑफ शेडो है, लेंथ ऑफ शेडो मान लो वो एल है, तो उसे मैं एच बाई टू, कैसे भैया, ये एच बाई टू है और ये एक्स है, तो एच बाई टू प्लस एक्स हो जाएगा, आपको मेरी बात समझ में आई हो शायद, एच बाई टू प्लस एक्स हो जाएगा, क्लियर हुआ यहां तक, या कोई डाउट है किसी को। अब देखिए h by 2 plus x ये आ गया, h by 2 plus x, ये इसमें से ये वाली लेंथ हमें पता है, और अगर ये रिफ्रैक्शन से ये वाला एंगल पता लग जाए, ये वाला आपको दिख रहा हो शायद, ये वाला एंगल पता लग जाए, लेट बी से r है, तो मैं ये x निकाल पाऊंगा, क्योंकि ये वाली साइड मुझे पता है। तो बहुत ही सिंपल सी कैलकुलेशन और सिंपल सिंपल छोटे छोटे लॉजिक आप देख रहे हैं हम लगा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले तो स्नेल्स लॉ लगाऊंगा, ये पानी का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्वेश्चन में दिया था 4/3, और यहाँ वैक्यूम या एयर मान लेंगे, म्यू की वैल्यू 1 मान लेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए स्नेल्स लॉ, तो मैंने आपको बताया आप हमेशा स्नेल्स लॉ ऐसे ही लिखोगे, फायदे में रहोगे, तो 1 sin 45 और इधर भैया 4/3 sin r, मुझे r की वैल्यू चाहिए, तो अब देखिए sin 45 यानी 1/√2, और ये 3 आ जाएगा 3/4√2, ठीक है, 1/√2 3/4, तो ये साइन आर की वैल्यू आ गई। नाउ मुझे ये वाला ट्राइंगल अगर आपको नजर आ रहा हो ध्यान से, ये वाला जो ट्राइंगल है, ये वाले ट्राइंगल में आर पता है, एच बाई टू पता लग गया, ये वाली साइड एच बाई टू, ये सामने एक्स पता करना है, ये सामने एक्स पता करना है, ये पता है एच बाई टू, तो आप ध्यान से देखो आर के सामने ये परपेंडिकुलर और ये बेस है, तो मुझे टेन आर का फॉर्मूला यूज करना होगा। अब आप में से कई बच्चे परेशान हो जाएंगे कि 10r कैसे मैं निकालूं, लेकिन बहुत आसान है। देखिए आपको ये कहें कि सर ये वैल्यू तो हमको पता नहीं, 3/4√2, तो कैसे, कुछ नहीं करना, आप इसमें एक ट्राइंगल बना लो, ठीक है, ये ट्राइंगल बना लिया करो ऐसे,
इसमें ये एंगल अगर आ रहे तो परपेंडिकुलर ये हो गया और बेस ये हाइपोटेन्यूज ये हो गया, तो ये 3 है और ये वाली साइड 4√2 है, ठीक है, ये वाली साइड 4√2 है, तो आप इसमें बेस निकाल सकते हो। यार देखो ये परपेंडिकुलर ये हाइपोटेन्यूज वही लिख दिया मैंने, अब इसका स्क्वायर माइनस ये करेंगे पाइथागोरस से तो ये वाली साइड पता लग जाएगी, तो 4 4 16 2 32 और माइनस 9 करोगे तो ये 23 आ जाएगा अंडर रूट में। तो अब हम टेन आर की वैल्यू लिख सकते हैं, दैट इज एक्स अपॉन एच बाई 2, और टेन आर की वैल्यू यहां से देखोगे तो ये 3 अपॉन अंडर रूट 23, और ये एच बाई 2 को और यहां ले आता हूं मैं, एच बाई 2 ये x आ गया, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 3h अपॉन 2 अंडर रूट 23, ठीक है, 2 अंडर रूट 23, तो जो लेंथ आएगी शेडो की वो लेंथ हो गई यहां से l इक्वल्स टू h बाई 2 प्लस x, जिसमें से h बाई 2 को कॉमन ले सकते हैं और ये 1 प्लस 3 अपॉन अंडर रूट 23, ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्व कर लो चाहो तो या फिर इसी तरह से लिख के छोड़ सकते हो, तो टफ तो नहीं है, बस सिंपल ज्योमेट्री का यूज हमने किया है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, यहां तक कोई डाउट हो तो आप पूछिए। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आगे बढ़ते हैं हम। देखिए अगला ये जो क्वेश्चन 9 आप देख रहे हैं, ये आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, और इसके आगे वाला जो क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन नंबर 10, ये एचसी वर्मा की एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन मिलते जुलते कॉन्सेप्ट के ही हैं। क्वेश्चन नंबर 9 मैंने कहा आईआईटी में पूछा गया है, और क्वेश्चन नंबर 10 एचसी वर्मा की एक्सरसाइज में मिल जाएगा, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स में, ठीक है। इसके बाद ये 11th वाला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, मैं बता दूंगा, क्योंकि इसको बच्चों ये एचसी वर्मा का ही एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, दिक्कत होती है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन नंबर 9 में डिस्कस कर देता हूँ, 9 वाला है तो इजी, लेकिन फिर भी हो सकता है कुछ बच्चों को डाउट आए, और 9 का थोड़ा आइडिया लग जाएगा, तो 10 की अप्रोच भी इसी तरह से, थोड़ा सा 10 में और 9 में जरा सा ही अंतर है। अब एक क्वेश्चन का अप्रोच समझ में आएगा तो दूसरा कर लोगे आप, ठीक है। तो देखिए मैं इसको तो रब कर देता हूँ, थ्योरी का पार्ट तो मैंने बताया ना कि थ्योरी का पार्ट तो लिमिटेड होता है, लगभग मैं रिफ्रैक्शन का ये वाला जो प्लेन सरफेस पे हम पढ़ रहे हैं ऑलमोस्ट थ्योरी का पार्ट मैं कंप्लीट कर ही चुका हूं, अब तो जो क्वेश्चंस हैं उनके थ्रू कोई छोटी मोटी चीजें हैं वो, और एप्लीकेशन अप्रोच क्या होगी, क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं वो थोड़ा सा बता रहा हूं, और आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस भी हो जाए कैसे क्वेश्चन करने होते हैं, क्योंकि थ्योरी लिमिटेड ही होती है, बट क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। तो अब देखिए इसमें 9th में इनिशियली एंड ए ऑफ द रॉड इज विजिबल, शुरुआत में कॉर्नर से हम देख रहे हैं, तो एक रॉड है ए बी, ए बी जो ब्लैक कलर की दिख रही है एक रॉड है जो एक कंटेनर में रखी है, पतली सी होगी, मोटाई आप उसकी नेग्लिजिबल मान सकते हैं, उसकी हाइट लेकिन एच है, वो उसका एक एंड ए दिखाई दे रहा है, और जब इसमें हम एक उसके बाद कह रहा है कि जब हम इसमें 2h हाइट तक एक लिक्विड भर देते हैं तो एंड बी भी दिखाई देने लगता है जब भर देते हैं, तो आपको लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है क्या होगा, ठीक है। तो काफी ईजी क्वेश्चन है, आप अगर एक बार फिगर बना लेंगे तो सिंपल कैलकुलेशन करके निकाल भी सकते हैं। तो यहाँ पर ये एक ए बी एक रॉड है, ये एंड ए है और ये बी है, इसमें ये हाइट एच है, और यहां से ऐसे हम देख रहे हैं, ठीक है, तो ये एंड ए दिखाई दे रहा है, तो सबसे पहले आप देखिए कि इसको अगर हम आगे एक्सटेंड कर लें, ये आपका 2h है और ये टोटल 3h है, ये 2h है, ये 2h है, ठीक है। अब इसमें ये एंगल आपका 45 होगा, देखो यार ये 2h है, ये 2h है,
ये 2H है, ये 2H है, तो 45 हो जाएगा, ये 90 होगा, ये भी 45 होगा, ठीक है, ये 45 होगा और ये भी 45 होगा, ठीक, ये भी 45 होगा। अब कह रहा है कि 2H हाइट तक एक लिक्विड भर दिया, ध्यान रहे अभी कुछ भी नहीं भरा था, टोटल हाइट 3H है जिसमें से H तो रॉड की हमने निकाल दी, अब इसमें एक लिक्विड भर दिया हमने यहां तक, ये लिक्विड भर दिया, ठीक है। तो अब लिक्विड भरा होगा तो वैसे हो क्या रहा होगा कि बी से भी लाइट जा रही थी पहले भी, और वो लाइट कैसे जा रही थी आप पहले समझ लो, बी से लाइट ऐसे जा रही थी, ऐसे करके ऐसे, लेकिन वो आई में ना पहुंच के इधर निकल जा रही थी, यानी आई से बच के चली जा रही थी, या कोई लाइट ऐसे करके अगर जा रही होगी ऐसे, तो ऐसे अगर लाइट जाएगी तो यहाँ पे क्या होगा, रिफ्रैक्शन, जब पहले की बात कर रहा हूं, पहले तो ये सीधे स्ट्रेट जा रही थी लेकिन आई साइड में, तो आई में नहीं पहुंच पा रही थी, लेकिन अब क्या है लिक्विड भरने से क्या फायदा हुआ कि एक लाइट जो ऐसे कभी जा रही होगी ऐसे सीधी चली जाती थी, वो लाइट लिक्विड भरने से क्या होगा यहाँ पे बेंड हो जाएगी, और अगर ये बेंड इस तरह से हो गई तो ये आई में पहुंच जाएगी और ये बी एंड दिखाई देने लग जाएगा, ठीक है। ये बाकी का फालतू में हटा देता हूं, तो ये मैंने कहा कि बी एंड से जो लाइट रे निकली होगी वो लाइट रे जब लिक्विड नहीं था तो सीधी चली जाती थी, लेकिन अब लिक्विड भर दिया तो वो क्या होगा यहां से ऐसे जाएगी और यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा और उसके बाद ऐसे मुड़ जाएगी और आई में पहुंच जाएगी, तो बी एंड दिखाई देगा। जब कह रहा है ना क्वेश्चन में कि बी एंड दिखाई दे रहा है, तो उसको दिखाई देने की जो पॉसिबिलिटी होगी वो यही होगी। अच्छा, ये एंगल भैया 45 है, ये वाला एंगल आपका 45 है, तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये 45 है, ये भी 45 है और ये भी 45 है, राइट। अब हमको क्वेश्चन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है, तो स्टेस लॉ हम लगा सकते हैं, इस वाले को तो मैं हटा ही देता हूं, एंगल फाइंड करने के लिए किया था ये फिगर, अब पहले इसे थोड़ा सा क्लियर लग रहा होगा आपको, मैं थोड़ा सा इसको स्क्रीन को हटा के आपको बोर्ड वाली स्क्रीन दिखाता हूं, ये है, ठीक है, ये रे बी से निकली, ठीक है, ये तो अब एक तो हमारी प्रायोरिटी है कि ये वाला एंगल निकाला जाए, रे क्योंकि इधर से जा रही है तो इसे मैं एंगल आई कह देता हूं इंसिडेंस वाला, और उधर जा रही है तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर हो गया, यहां पर एयर होगी, यहां लिक्विड का बताया नहीं, इसका म्यू हमको बताना है, इसका म्यू हमको बताना है। नाउ सी, अब इसमें कहा है क्वेश्चन में कि इसमें 2H हाइट तक लिक्विड भर दिया, यानी ये लिक्विड की जो हाइट है वो 2H है, ठीक है, पुराने फिगर को मैं चेंज कर दिया क्योंकि जो हमारी जरूरत है उसके हिसाब से हम यहाँ लिखेंगे, राइट। अच्छा, एक चीज और नोटिस करो, एक चीज और यहाँ पे नोटिस करो, जैसे आपने ध्यान दिया होगा ये वाली जो लेंथ है ये कितनी है, ये लेंथ H है, टोटल 3H है, ये H है, तो ये वाली ये भी H होगी कि नहीं, क्यों होगी भाई, ये 45 है, ये भी 45 है, तो आमने सामने की साइड बराबर हो जाएंगी, तो ये अगर H है तो ये H होगा और ये पूरा यहां तक H होगा, और ये H है तो ये भी H होगा, ये भी टोटल 2H है, ये H है तो ये फिर आपका H आ गया। अच्छा, ये वाली जो लेंथ है वो 2H है, 2H तक लिक्विड भरा है, आपको बात समझ में आई हो, ठीक है। अब इसमें यहां से I की वैल्यू अगर आप निकालना चाहो तो I की निकल आएगी, कैसे भाई, tan I विल बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी H अपॉन 2H, ठीक है, तो ये 1/2 आ गया। और एक काम कर सकते हो, जैसे ये H है, ये 2H है, तो ये वाली जो लेंथ है ना ये डायरेक्ट निकालो तो और ही अच्छा हो जाएगा, मतलब टेन की वैल्यू ना निकाल के आप ये वाली लेंथ निकालो, तो पाइथागोरस यूज कर लो, ये साइड H है, ये 2H है, ये वाली 2H है पूरी, तो ये अंडर रूट 5H हो जाएगी, है ना। तो फिर टेन आई की जो वैल्यू आपने निकाली ना, इसको भी स्किप कर सकते हो, आप सीधे साइन आई की वैल्यू में आ सकते हो, तो साइन आई विल बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी 1/√5 हो जाएगा, एच अपॉन रूट फाइव एच, ठीक है। अब इसमें स्नेल्स लॉ अगर हम लगाते हैं, स्नेल्स लॉ तो 1 यहां से स्टार्ट करता हूं, तो इसमें 1 नहीं लिखूंगा, फिर मैं म्यू लिखूंगा, इधर से इधर जा रहे हैं, तो यहां का म्यू और यहां का एंगल, तो म्यू और साइन आई इक्वल टू म्यू साइन आर, तो 1 साइन 45।
अब साइन आई की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी आ चुकी है, म्यू की आपको निकालनी है, तो ये 1/√5 है, तो √5 इधर आ जाएगा और यहाँ √2, तो दैट इज योर आंसर। ठीक है, ये म्यू पूछा था, आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में। तो आप देखिए कि कैलकुलेशन के नाम पे बस ये चंद स्टेप्स है, लेकिन उसके लिए प्लानिंग हमें पहले करनी पड़ेगी, फिगर हमें बनाना पड़ेगा, और उसी फिगर में मैंने डिफरेंट डिफरेंट चीजें मैं बताता गया, आगे बढ़ता गया, एंगल वगैरह बताते गया, और ये फाइनली हमने साइन आई की वैल्यू निकाली और स्टेंस लॉ लगा दिया, तुरंत आंसर आ गया। ठीक है, तुरंत आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन जो एक्सी वर्मा का है वो भी इसी तरह का है, आप करिएगा, उसको मैं नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, आप करके देख लेना, नहीं आए तो फिर पूछ लेना, अगर आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब देखिए इसमें आगे और भी केसेस हैं, क्वेश्चंस हैं, ये आप इसको नोट कर लो। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो अगला आप करेंगे, इसके बाद देखिए मैं ये वाला क्वेश्चन बताना चाहूंगा, बहुत अच्छा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा है, अ प्लेन मिरर इज फिक्स्ड एट द बॉटम ऑफ ए वेसल इन विच लिक्विड इज फिल्ड अप टू हाइट h एज शोन इन फिगर, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम इटसेल्फ द बर्ड विल सी द टू इमेजेस ऑफ द फिश। तो दो पार्ट है, दोनों मिलते जुलते ही हैं, मैं एक पार्ट बता दूंगा और आप अगर समझ में आ जाएगा तो दूसरा पार्ट आप कर पाओगे। अब इसमें मेन क्या है, क्वेश्चन को समझना है मेन। ठीक है, तो अब इसमें देखिए ये एक कंटेनर है और इस कंटेनर में एक लिक्विड भरा हुआ है और इसके बॉटम में यहां एक मिरर लगा हुआ है। ठीक है, और लिक्विड जो भरा हुआ है उसकी हाइट कैपिटल एच दे रखी है और यहां पर एक फिश है। ठीक है, ये एक फिश है और ये फिश यहां से लिक्विड के सरफेस से h/2 नीचे और मिरर से h/2 ऊपर है और यहां इसके ऊपर ही एक बर्ड है h हाइट। ठीक है, एक बर्ड है और ये बर्ड है, मान लीजिए ठीक है, ये एच हाइट पे एक बर्ड है और इसका जो लिक्विड का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स म्यू दिया है, ये इंफॉर्मेशन सारी आ गई। अब इसमें दो क्वेश्चन क्या क्या है, पहला क्वेश्चन है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम इटसेल्फ द बर्ड विल सी द टू इमेजेस ऑफ फिश, यानी हमें बताना है कि ये जो बर्ड है ये अपने से फिश की जो इमेज देखेगी, अपने से फिश की इमेज कितनी दूरी पर देखेगी और वो दो इमेज बनेंगी, बताया है वो दो कैसे बनेंगी, ये चीज भी समझ में आना जरूरी है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में तो बताना है कि बर्ड जो है फिश की इमेज दो जो देख रहेगी, दो दो दिखाई देंगी, कौन कौन सी होंगी बता दूंगा मैं, वो अपने से खुद से कितनी दूरी पे दिखाई देंगी, पहला सवाल। और दूसरे सवाल में कह रहा है कि फिश जो है बर्ड की इमेज देखेगी दो, फिश भी बर्ड की दो इमेज देखेगी, तो फिश से उनके डिस्टेंस जो होंगे फिश से वो कितने होंगे दोनों इमेजेस के, ये आपको बताना है। तो मिलते जुलते ही क्वेश्चन है, इसको तो मैं हटा देता हूं और इसमें आप देखिए कैलकुलेशन तो ना के बराबर है, बस आपको चीजों को समझना है। ठीक है, आंसर रेडीमेड आंसर मान के चलिए, इसमें तुरंत क्वेश्चन में आप इसको आंसर को निकाल सकते हैं। चलिए मैं इसको स्क्रीन को थोड़ा मिनिमाइज कर देता हूं, ये देखिए, तो पहला जो केस है वो मैं आपको बता रहा हूँ, सेकेंड केस भी इसी तरह से कर सकते हैं। अब देखिए समझो, पहले तो देखो यार ये फिश है यहां पर, ठीक है, तो फिश की इमेज यहां बनेगी जब बर्ड देख रहे होगी डायरेक्ट, क्योंकि जो बर्ड है वो रेयर मीडियम में है और रेयर मीडियम से हम डेंसर में देख रहे हैं, तो ये थोड़ा सा फिश की इमेज ऊपर शिफ्टेड दिखाई देगी, तो एक तो वो वाली इमेज आ जाएगी जो यहाँ होगी, फिश की एक इमेज यहाँ शिफ्टेड दिखाई देगी। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि फिश की ये वाली इमेज बर्ड को दिखाई देगी, आपको शायद नजर आया हो। और एक क्या हो रहा होगा, ये फिश इस मिरर में अपनी एक इमेज बनाएगी मिरर में नीचे, ठीक है। अब ये जो इमेज बनी है, ये इमेज ध्यान रहे फिश से लाइट आएगी यहां से टकरा के, ध्यान से समझना मेरी बात को, यहां कंफ्यूजन होता है,
तो यहां से टकरा के जब वापस जाएगी इसमें वाटर लेवल में से ऊपर जब जाएगी वाटर के सरफेस से, तो फिर वो बेंड होके अवे जब जाएगी, तो ये इमेज जो डायरेक्ट रिफ्लेक्शन से बनी थी, रिफ्लेक्शन से वो जब रिफ्रैक्ट होके जब बाहर जाएगी तो ये इमेज नहीं दिखाई देगी, बल्कि इसके ऊपर इसकी जो रिफ्रैक्शन के बाद इमेज बनेगी वो दिखाई देगी। अभी समझ में नहीं आया होगा, कोई बात नहीं, मैं दोबारा समझाऊंगा। देखो ये तो एक्चुअल में ऑब्जेक्ट हो गया, ये आपका इमेज आई वन हो गया। अब ये जो इमेज इस बर्ड की डायरेक्ट रिफ्लेक्शन से बनी थी ये आई टू, ये डायरेक्ट रिफ्लेक्शन के बाद बनी है, अभी बर्ड के पास तो पहुंची नहीं है क्योंकि अभी रिफ्लेक्ट होगी यहां से, जैसे रेज आई रिफ्लेक्ट होगी, जब यहां जाएगी तो यहां रिफ्रैक्शन होगा, तो रिफ्रैक्शन के बाद जब बाहर पहुंचेगी तो ये आई टू तो दिखाई देगा नहीं, कौन सा दिखाई देगा, आई थ्री। तो आपको शायद समझ में आया हो कि हमें कौन कौन सी इमेजेस के डिस्टेंस निकालने, हमको निकालना है एक इस आई वन का और एक इस आई थ्री का। आपने कहा मुझे यहाँ चार फिश नजर आ रही है, बात तो सही है, लेकिन आप इसको समझो कि ये जो फिश है एक्चुअल में ये बर्ड को दिखाई नहीं देगी। इट्स लाइक मैंने आपसे कहा था कल की क्लास में ही समझाया था कि बाल्टी में अगर पानी भरा होता है और उसमें एक कॉइन डाल दें तो दो कॉइन नजर नहीं आते, एक ही नजर आता है, और वो भी ऑब्जेक्ट वाला नहीं इमेज वाला नजर आएगा, यानी एक्चुअल में जो पड़ा हुआ था वो तो दिखेगा नहीं, उसकी इमेज ऊपर दिखाई देगी, यानी कि ये बर्ड ओ ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देगा, इसकी इमेज ये दिखाई देगी। फिर इसके बाद बर्ड का रिफ्लेक्शन जो हो रहा था, रिफ्लेक्शन से आई टू बन रही थी आई टू, वो आई टू भी दिखाई नहीं देगा क्योंकि अभी यहां से टकरा के जब जाएगी, अगर ये पानी नहीं होता, पानी नहीं होता तो ये आई टू ही बर्ड को दिखाई देती, पानी नहीं होता तो आई टू ही दिखाई देती, लेकिन अब जब यहां से रिफ्लेक्शन होके जब यहां रिफ्रैक्ट होगी तो फिर ये डेंसर से रेयरर में जा रही है, रेज डेंसर से रेयरर में जा रही है, तो फिर ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगी क्योंकि देखने वाला तो रेयरर मीडियम में ही, तो फिर से ये शिफ्ट हो जाएगी, तो एक इमेज आई थ्री बनेगी जो ये बर्ड देखेगी। तो बर्ड को सिर्फ दो दिखाई देंगी, आपको लग रहा हो ये चार, ना, एक तो एक्चुअल में है और एक इसका रिफ्लेक्शन से बनी, बट ये रिफ्लेक्शन तब दिखाई देता है जब यहाँ पानी नहीं होता, लेकिन पानी के रिफ्लेक्शन की वजह से इस आई टू की इमेज बन चुकी है आई थ्री। तो ये बर्ड जो देखेगी वो आई वन और आई थ्री देखेगी, ये चीज सबसे पहले समझ लो, ठीक है। जिस बच्चे को ये बातें समझ में आ गई वो क्वेश्चन को कर ले जाएगा, क्योंकि अब इसमें कैलकुलेशन तो कुछ है ही नहीं। जैसे मैं अगर आपसे पूछूं ये ऑब्जेक्ट है जो यहां से h के डिस्टेंस पे है और इसकी जो इमेज आएगी, तो ध्यान से देखो ये जो h by 2 है तो ये x कहा जा सकता है, x कहा जा सकता है, और बर्ड के लिए ये वाला जो डिस्टेंस है इसे मैं x डैश कह सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ, x डैश, और ये फर्स्ट इमेज के लिए फॉर i1 x डैश जो होगा, तो x डैश होगा भैया x अपॉन म्यू, और यहाँ x की वैल्यू है h अपॉन 2 म्यू। तो क्या ये आंसर हो गया, नहीं, ये जो डिस्टेंस आया ध्यान रहे ये इस पानी के सरफेस से या लिक्विड के सरफेस से आया है, और क्वेश्चन में डिमांड कर रहा है, क्योंकि अच्छा ध्यान रखना ये जो x और x डैश होते हैं, हमेशा के लिए ध्यान रखना जो फॉर्मूले मैंने बताए, x और x डैश जो होते हैं वो लिक्विड के सरफेस से या जहां रिफ्रैक्शन हो रहा है जिस बाउंड्री पे उससे होते हैं डिस्टेंस, इसको भी एक बात समझ लो और ध्यान रखना है कि x और x डैश जो हमने निकाले हैं दीज आर द डिस्टेंस मेजर्ड ऑलवेज फ्रॉम द बाउंड्री ऑफ रिफ्रैक्शन, जिस बाउंड्री पर रिफ्रैक्शन होगा, तो यहां से आया ये x डैश। क्वेश्चन में डिमांड कर रहा है कि बर्ड फिश की जो इमेज देखेगी तो खुद से कितना दूरी पर देखेगी, तो खुद से देखेगी तो ये डिस्टेंस कितना है, h और है। ये h और है, बर्ड का जो डिस्टेंस है दैट इज गिवन यू h, तो वो h वाला जो डिस्टेंस है वो हम इसमें और एड कर देंगे, तो डिस्टेंस ऑफ इमेज i1 फ्रॉम बर्ड इटसेल्फ, है ना, बर्ड से, तो वो आ जाएगा डिस्टेंस आपका h प्लस ये तो बाउंड्री से आया, उसमें बर्ड का डिस्टेंस भी शामिल हो जाएगा, ये आपका पहला इमेज i1 जो था उसका आगे, ठीक है। अब आ जाते हैं दूसरे केस में, तो आप देखिए सिंपल है सेकंड केस के लिए, पहले i2 का डिस्टेंस निकालना होगा, तो आप देखिए बर्ड यहां पर है, कितनी हाइट पर है, h by 2, तो मिरर में रिफ्लेक्शन होके ये जो इमेज बनी है ये वाली इमेज, ये h by 2 नीचे बनेगी, h by 2 नीचे बनेगी i2, ठीक है। तो अब इस I2 का डिस्टेंस पानी के सरफेस से कितना नजर आएगा, पानी के सरफेस से, ठीक है। तो अब फॉर I2 में
एक्स की वैल्यू, एक्स मतलब रियल में, तो एक्स इज द डिस्टेंस, क्योंकि रिफ्रैक्शन कहाँ होने वाला है, फिर से यहाँ से जब रे जाएगी टकरा के जाएगी तो रिफ्रैक्शन यहाँ होगा, तो यहाँ से जो डिस्टेंस आएगा, ध्यान रहे यहाँ से इस आई टू का, मैंने आई टू लिखा है और एक्स लिखा है, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका कितना पानी एच भरा है और ये एच बाई टू हो जाए, तो ये थ्री एच बाई टू, ध्यान रखना ये एक्स है। अभी एक्स डैश क्या है, जो इस पानी से रिफ्रैक्शन होने के बाद जो डेप्थ दिखाई देगी आई थ्री, एक्स डैश क्या होगी, लोकेशन ऑफ, लोकेशन ऑफ, या मैं कहूं डिस्टेंस ऑफ, डिस्टेंस ऑफ आई थ्री, आई थ्री का डिस्टेंस, तो दैट विल बी एक्स डैश, और मैंने बताया एक्स डैश नो डाउट ये थोड़ा ऊपर शिफ्ट हो गया तो कम हो गया, तो कम होने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो 3h by 2 तो था ही, x divided by mu, x divided by mu, ये आ गया, तो क्या ये आंसर हो गया, नहीं, ये आंसर हमारा जो आया जो डिस्टेंस वो तो बाउंड्री से आया, इस बाउंड्री से, मैं फिर एक बार रिमाइंड करा दूं, x डैश और x वो डिस्टेंस है जो बाउंड्री ऑफ रिफ्रैक्शन से मेजर की जाते हैं, तो जैसे इसमें कहा था डिस्टेंस ऑफ इमेज, वैसे ही यहां पे हम लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ इमेज आई थ्री, फाइनल इमेज है जो हमें दिखाई देगी फ्रॉम बर्ड, तो अब ये तो इस बाउंड्री से तो आई चुका है, उसमें एच और एड कर देंगे, तो ये आंसर आ गया आपका एच प्लस थ्री एच बाई टू म्यू, ये दूसरा आंसर आ गया। ऐसा ही सेकंड वाले पार्ट में करना है, मैं हिंट कर दूंगा सेकंड वाले में क्या होगा, जब फिश बर्ड को देखेगी, तो ध्यान रहे फिश किस में है, डेंसर मीडियम में, और बर्ड को देख रही है, तो डेंसर से देखते हैं तो दूर दिखाई देता है, तो ये म्यू का मल्टीप्लाई एच में कर देंगे, तो बर्ड की एक इमेज यहां दिखाई देगी, ध्यान रखना बर्ड की एक इमेज यहां दिखाई देगी जो कि म्यू एच के डिस्टेंस पे आएगी यहां से, लेकिन क्वेश्चन में फिश से चाहिए, तो उसमें एच बाई टू और एड कर देंगे, ये तो एक इमेज हो गई। अच्छा, दूसरी इमेज में क्या होगा कि ये जो मिरर है ये बर्ड को जहां देखेगा उसका रिफ्लेक्शन से उतना ही नीचे बना देगा, ठीक है, तो पहली चीज ये समझने की है कि मिरर इसे देख कहां रहा होगा, तो सिंपली है कि ये बर्ड तो दिखाई नहीं देगी क्योंकि मिरर भी कहां रखा हुआ है, डेंसर में रखा हुआ है, तो ये जो म्यू एच डिस्टेंस आया था ना यहाँ पे जो बर्ड है, ठीक है, उसको मिरर उतना ही नीचे बना देगा, तो पहले क्या करना होगा, ये वाला जो डिस्टेंस है क्योंकि मिरर से पूछा जाए तो मिरर डेंसर में, ये बर्ड को यहां से म्यू एच पे देखेगा यहां से, तो अपने से कितना डिस्टेंस हो जाएगा, वो एच और म्यू एच एड हो जाएगा और उतना ही नीचे इसको रिफ्लेक्ट कर देगा, ठीक है, उतना ही नीचे, ये जो डिस्टेंस आएगा ध्यान रहे वो मिरर से आएगा, और मिरर जिस मीडियम में उसी मीडियम में फिश भी है, तो अब फिश जो देखेगी वो डायरेक्ट इसको देख लेगी, उसमें कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा क्योंकि फिश उसी मीडियम में और मिरर भी उसी मीडियम में, तो ये जो डिस्टेंस आया निकल के उसमें फिश का डिस्टेंस एच बाई टू और एड करेंगे, क्योंकि डिस्टेंस हमें मिरर से नहीं बताना, हमें फिश से बताना, ये सेकंड पार्ट हो गया, मैंने लिखा नहीं है, थोड़ा सा आप कैलकुलेशन करेंगे सीखेंगे, ठीक है, तो ये एक अच्छा सवाल है, आप देखिए कैलकुलेशन तो कुछ नहीं है, जो टाइम है वो समझाने में गया आपको, ठीक, आप नोट कर लो, और किसी को यहां तक अगर कोई डाउट आ रहा हो कैलकुलेशन को लेके और कुछ पूछना चाहो पूछ सकते हो। ठीक है, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, या टाइम लग रहा है तो मैं इसीलिए रुका हूं, आप इसको नोट कर लीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 का कॉन्सेप्ट अभी मैं थोड़ा सा बता रहा हूं आपको थोड़ी देर में। क्वेश्चन नंबर 13 एचसी वर्मा का ही क्वेश्चन है ये भी, क्वेश्चन नंबर 13, और आसान है, आप कर सकते हैं मेरे ख्याल से, इसमें पानी भर दिया है और पानी जब भर देंगे, वाटर सरफेस जो डॉटेड में दिखाया है, तो पूछ रहा है कि
कि इमेज कहाँ बनेगी, ये करके देखिएगा, मेरे ख्याल से ईजी है, कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 12 का कॉन्सेप्ट मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, और इसमें क्वेश्चन नंबर 14 और 15 दोनों एक जैसे क्वेश्चन है, 14 एंड 15 दोनों में से कोई एक क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा इसमें, ठीक है, कोई भी एक क्वेश्चन, और आप उसको फिर दूसरे वाले को कर लेना, दोनों मैंने इसलिए दे दिए। अब इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर ये वाला 12 वाला जो है, इसके कॉन्सेप्ट को मैं बताता हूँ, और ये आपने नोट कर लिया होगा, ये बिठा रहा हूँ मैं। ट्वेल्व के कॉन्सेप्ट से पहले एक चीज और मैं सिखा देता हूँ, ट्वेल्व से पहले एक दो चीजें और रह गई इसमें जो मुझे बतानी चाहिए, तो अभी आते हैं ट्वेल्व पे लौट के, पहले एक दो चीजें और मैं बताऊंगा इसमें। जैसे कभी ऐसा भी हो सकता है, एपरेंट लेंथ, एक चीज और बता रहा हूँ, अभी लौटेंगे ट्वेल्व के कॉन्सेप्ट पे, एपरेंट लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एपरेंट लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ मीडियम। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जैसे ये यहां पर कोई लिक्विड है और इस लिक्विड में कोई ऑब्जेक्ट यहां पड़ा हुआ है, सपोज ये कोई ऑब्जेक्ट है और इसका नाम है ए बी, और इसकी जो लेंथ है ऑब्जेक्ट की, लेट दैट लेंथ इज एल, ठीक है, और आप ऊपर से देख रहे हैं यहां से, ध्यान रहे ये भी मैं जो बता रहा हूं ये नॉर्मल इंसिडेंस का केस है, अभी ओब्लिक का तो बताया भी नहीं है, वो मैं बता दूंगा अभी थोड़ी देर में, तो नॉर्मल इंसिडेंस का ही केस मैं बता रहा हूं, बहुत इजी सा है, बट कई बार आ जाता है क्वेश्चन तो हमें समझ में नहीं आता कि कैसे करना है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ए बी, इसकी लेंथ एल है, आप ऊपर से देख रहे हैं, तो क्या होगा देखिए, ये बी पॉइंट से रे ऐसे गई और यहां से रिफ्रैक्ट होके इधर से आती हुई नजर आएगी। अब आप कहें ये रे तो आंख से बाहर चलेगी, मैंने समझाया था कि वो फिगर में थोड़ा एंगल बड़े होंगे तो क्लैरिटी आएगी, तो जानबूझ के थोड़ा ऐसा दिखाया, नहीं तो आई को फिर मुझे बड़ा करके बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो बी पॉइंट था इससे रे निकली, यहां से बी पॉइंट से, और बी पॉइंट से निकल के यहां पहुंच गई, तो ये जो इमेज आएगी बी डैश आएगी। इसी तरीके से यहां से ए पॉइंट से भी एक रे गई होगी, ठीक है, ए पॉइंट से भी एक रे गई होगी, इसी के पैरेलल एक कंसीडर कर लेता हूं, बहुत सारी निकली होंगी, मैं जो इसमें कंसीडर कर रहा हूं, थोड़ा कैमरा डिस्टर्ब हो गया, तो यहां से ए पॉइंट से भी एक रे ऐसी निकलेगी, यहां कहीं टकराई होगी और ये टकराने के बाद इधर चली गई ऐसे, तो ये यहां से आती हुई नजर आएगी ए ए डैश, ठीक है, ये यहां से ए से ऐसे जाके ऐसे चली गई, तो अब जो इमेज बनेगी यहां पर ये तो ये आपका L है और ये जो इमेज बनी ये L डैश है, ठीक है, तो L डैश हमें निकालना है। अगर सिंपल में बताऊं तो L डैश की जो वैल्यू आती है वो L अपॉन म्यू आ जाएगी, L अपॉन म्यू, जैसे वो जो X डैश X अपॉन म्यू था ना, उस तरह से अगर ये डेंसर मीडियम हुआ तो, हम देख रहे हैं रेयर से, रेयर से देखेंगे तो पास दिखता है या मैं कहूं छोटा दिखता है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये आया कैसे, तो इसको आप ऐसे ही निकाल सकते हैं, जैसे ये वाला जो डिस्टेंस है और ये वाला जो डिस्टेंस है, अगर ये वाला डिस्टेंस मैं कहूं तो लेट ये x2 है और ये x1 है, तो आप ध्यान से देखिएगा, इस फॉर्मूले को अभी हटा देता हूं, बहुत इजीली कर सकते हैं। और अब यहां पे अगर मैं पूछूं आपसे l की वैल्यू क्या होगी, तो आप कह सकते हैं x2 माइनस x1 होगी, ठीक। अब इस x2 के करस्पॉन्डिंग, x2 के करस्पॉन्डिंग ये इमेज जो बनी है इसका डिस्टेंस है x2 डैश, और ये जो a पॉइंट की इमेज बनी है इसका डिस्टेंस है x1 डैश। तो अगर मैं आपसे कहूं x1 डैश कितना होगा और x2 डैश कितना होगा, तो आप निकाल सकते हैं, x1 डैश तो हम पहले से जानते हैं, वो आ जाएगा x1 अपॉन म्यू क्योंकि डेंसर में है, और इसी तरह से ये x2 अपॉन म्यू, और जो l डैश है जो ऑब्जेक्ट की इमेज बनी है इसकी लेंथ, तो दैट विल बी x2 डैश माइनस x1 डैश, यानी x2 अपॉन म्यू और x1 अपॉन म्यू, तो ये 1 अपॉन म्यू तो कॉमन आ गया, और x2 माइनस x1 यानी कितना बन गया l अपॉन म्यू, ये l डैश आ गया।
नेक्स्ट टाइम के लिए आपको पैटर्न समझ में आ गया। तो ये तो केस हुआ जब हम रेयर और मीडियम में देख रहे हैं, रेयर और मीडियम से देख रहे हैं, और ये मीडियम आपका डेंसर है, और इसमें अगर मान लो रेयर का म्यू आर है और डेंसर का म्यू डी है, तो ये जो म्यू आता है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर से एक बार रिमाइंड करा देता हूँ, हमेशा ये म्यू डी अपॉन म्यू आर ही आएगा, यानी इसकी वैल्यू ग्रेटर देन वन ही होगी। और अभी आप डेंसर में देख रहे थे तो ऑब्जेक्ट की इमेज छोटी हो गई, तो आपने डिवाइड कर दिया, और अगर उल्टा हो जाए, आप यहाँ हो, ऑब्जेक्ट रेयरर में है, तो बड़ी इमेज और लंबी इमेज होगी, तो ये म्यू से डिवाइड करने के बजाय क्या कर देंगे, फिर डिवाइड करने के बजाय क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो वो म्यू टाइम्स एल हो जाएगा, वही चीज है, बस थोड़ा सिचुएशन डिफरेंट थी, मैंने बताया इसलिए दिया कि हो सकता है आपको क्लिक ना करे थॉट, तो इस तरह से जैसे मैंने करके बताया ना, ऐसे करके भी निकाल सकते हैं, बट जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मैंने आपको बता दिया। अब हम आते हैं इसमें स्पेशल केस करके मैं लिख रहा हूं, स्पेशल केस ऑफ ओब्लिक इंसिडेंस। ओब्लिक इंसिडेंस का मतलब तिरछा देख रहे हैं, और तिरछे से मतलब यहाँ पे ये होता है कि एंगल छोटे नहीं है, यानी कि एंगल आई एंड आर आर नॉट स्मॉल, और अगर स्मॉल नहीं है तो साइन आई को टेन आई नहीं लिख सकते, साइन आई को सिंपली आई या टेन आई को सिंपली आई नहीं लिख सकते या आर नहीं लिख सकते, तो उसमें जो हम एजम्पशन वगैरह ले लेते हैं वो काम नहीं करेंगे। अब जैसे देखिए एक सिचुएशन मैं यहाँ आपको बताता हूँ, और सिचुएशन क्या है कि ये एक कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ से रे गई और ये इधर चली गई, और आप यहीं से देख रहे हो, ठीक है, अब यहाँ है आई, ध्यान रखना आई यहाँ पर है, ना कि यहाँ पे। नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब ऊपर से देख रहे हैं, आप देख रहे हैं साइड से, तो ये रे यहाँ से आती हुई नजर आएगी, और यहाँ से आती हुई नजर आएगी, तो ऑब्जेक्ट जो यहाँ पे था उसकी इमेज यहाँ बनी, तो एक्चुअल में ऑब्जेक्ट तो दिखाई ही नहीं देगा, क्या दिखाई देगी, इमेज दिखाई देगी, राइट, और ये ऐसे चली गई। तो अब आपको समझना है कि ये जो डिस्टेंस है यहाँ पर एक्स डैश, और ये जो डिस्टेंस है एक्स, वो कैसे निकालेंगे, ठीक है, लेट इस पॉइंट का नाम ए है और इस पॉइंट का नाम बी है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे एक चीज समझ लो, ये इधर से रे गई है तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इधर निकल के गई है तो ये एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन, एक बात तो ये समझो। दूसरी बात ये, अगर ये एंगल आई है तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये एंगल भी आई होगा, देखो दोनों लाइन पैरेलल है, ये लाइन ऐसे, इसी तरह से ये एंगल आर अगर है तो ये वाला एंगल भी आर होगा, ठीक। तो अब मैं जो कर रहा हूं यहाँ पर, उसके लिए हम स्नेल्स लॉ नहीं लगा सकते, यहाँ पे स्नेल्स लॉ नहीं लगाएंगे, ठीक है, हाँ, स्नेल, आप ये कहें कि स्नेल्स लॉ वैलिड नहीं होगा, बिल्कुल वैलिड है, और आप उसको अप्लाई कर सकते हैं स्नेल्स लॉ को, ये मैं रब कर रहा हूं, आपने नोट कर लिया होगा, और नोट करने में टाइम लगे, मैं बार बार इसीलिए बोलता हूँ, किसी को ये ना लगे रह गया मेरा, स्क्रीनशॉट दिया करो, ठीक है। अब देखिए सबसे पहला काम हम यहाँ पे, ये मैंने कहा ये एंगल आर है, तो ये वाला एंगल आर होगा, है ना, सॉरी थोड़ा नीचे वाला एंगल आर होगा, मैंने गलत कर दिया, ये वाला, तो ये भी आर हो जाएगा। अब देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टेन आई, ध्यान से देखिएगा टेन आई की वैल्यू क्या होगी, तो टेन आई विल बी हाउ मच, टेन आई में ये वाला जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल को देखिए, इस वाले ट्राइंगल में ये ए बी है और ये एक्स है, तो इसे मैं लिख सकता हूँ ए बी अपॉन एक्स, और ये आपका टेन आर, टेन आर जब हम लिखेंगे तो ये ए बी अपॉन एक्स डैश, ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन। अब फर्स्ट और सेकंड में हम यहां से अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा टेन आई अपॉन टेन आर, और इधर आ जाएगा एक्स डैश अपॉन एक्स, एक्स डैश अपॉन एक्स, तो अगर हमको एक्स डैश चाहिए, अपेरेंट डेप्थ अगर चाहिए, तो वो अपेरेंट डेप्थ का एक फॉर्मूला तो आ गया, हालांकि इसमें कुछ आगे दिक्कतें अगर आती हैं तो वो कैसे आप उससे बाहर निकलेंगे वो भी मैं बता रहा हूं, लेकिन एक फॉर्मूला आ गया आपके पास, पहले तो ये देखो। अब इसमें वो व्यू व्यू का कोई टर्म नहीं आया, यहाँ आया टेन आई अपॉन टेन आर इंटू एक्स, ठीक है, ये ओब्लिक इंसिडेंस का केस हो गया। अगर क्वेश्चन में ये आई और आर पता हो तो बहुत ही अच्छा है, आई और आर पता हो बहुत अच्छा है, बस वैल्यू रखिए टेन आई टेन आर, और एक्स तो दिया ही होगा,
एक्स डैश निकल आएगा। लेकिन अगर मान लो नहीं दिए तो क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं, उसका भी सॉल्यूशन है। देखिए अब एक पॉसिबिलिटी हमने ले ली, ये वाला जो मीडियम है इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये म्यू वन कह रहा हूं, ठीक है, या अभी जैसे पिक्चर है आपके सामने जो बनी हुई है उस हिसाब से अगर हम बात करें तो ये डेंसर है और ये रेयरर है, तभी तो अभी फ्रॉम द नॉर्मल गया है, तो ये आप इसको म्यू डी और इसे म्यू आर भी बोल सकते हो, ठीक है। तो अब जैसे होगा क्या क्वेश्चन में, ये दोनों नॉर्मली म्यू मीडियम के दे रखे होंगे आपको और एंगल आई भी दे देगा, आर नहीं देगा, तो इसको आर को निकालने के लिए हम स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं, ठीक है। टू फाइंड आर, ये दिया नहीं होगा, मैं इसी में ऐड कर रहा हूं, टू फाइंड आर वी कैन यूज स्नेल्स लॉ। अच्छा, स्नेल्स लॉ को लेके हो सकता है अभी इस क्वेश्चन में पर्टिकुलर एक कंफ्यूजन आपके माइंड में आ गया होता शायद कि सर ये जो नॉर्मल इंसिडेंस है उसी में स्नेल्स लॉ लगता है, ओब्लिक में नहीं लगता, हमेशा लगता है, स्नेल्स लॉ पे कोई बाउंडेशन नहीं है, छोटा एंगल हो बड़ा एंगल हो सब में लग जाता है, ठीक है। मैंने ये कहा था कि नॉर्मल इंसिडेंस में वो जो पीछे फॉर्मूला निकाला था कि म्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे डिवाइड कर देंगे, वो नॉर्मल इंसिडेंस के केस में आता था, क्योंकि वहां पे जो टेन आई और ये है टेन आई टेन आर को साइन आई साइन आर लिख सकते थे, साइन आई साइन आर, तो वो स्नेल्स लॉ से म्यू का रिलेशन आ जाता था, यहाँ इसमें नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं लिख देता हूं, जैसे ये म्यू डी साइन आई और म्यू आर साइन आर, राइट। अब जैसे ये म्यू डी क्वेश्चन में दिया होगा, ये एंगल दिया होगा, ये आर दिया होगा, तो सॉल्व करके आपको सॉरी म्यू दिया होगा, म्यू आर दिया होगा, म्यू डी दिया होगा, साइन आई दिया होगा, तो यहाँ से साइन आर की वैल्यू आ जाएगी, साइन आर की वैल्यू आ जाएगी तो टेन आर की आ जाएगी, टेन आई की तो दे ही रखी थी, तो इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई और ये सेकेंड इक्वेशन हो गई, और या आप इसको ऐसे कर लो कि ये साइन आर आ गया, तो साइन आर की वैल्यू आ गई म्यू डी और म्यू आर साइन आई, ये सेकेंड इक्वेशन होगी। तो जरूरत पड़ने पे आप इसको इस तरह से यूज कर सकते हैं। अब इसी में जो मैंने अभी बताया इसी पे आपको जो शीट मैंने दी थी उसमें एक क्वेश्चन अभी थोड़ी लास्ट क्लास में मैंने दिखाया था, बस सॉल्व नहीं किया था, अब आप उस क्वेश्चन को कर पाएंगे। वहां पे शायद एक फिश वगैरह कुछ यहाँ दिखा रखी है और हम यहाँ से देख रहे हैं वो एंगल कुछ 30 वगैरह दे रखा है और ये म्यू भी दे रखे हैं, म्यू वन म्यू टू दे रखे हैं। तो वहां से आप क्या करेंगे, सबसे पहले स्नेल्स लॉ ये वाला फर्स्ट स्टेप होना चाहिए कि ये अगर आपको आर नहीं पता है तो पहले ये कैलकुलेट कर लो सेकंड वाली इक्वेशन, देन फिर यहाँ पे यूज करो, ठीक है। तो ये ओब्लिक इंसिडेंस का केस आ गया आपका, इस तरह से ओब्लिक इंसिडेंस में क्वेश्चन अगर होगा तो आप उसको हैंडल कर सकते हो। नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं फिर इसमें। ठीक है, चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं, आपने नोट कर लिया हो। अब वो क्वेश्चन इसमें जैसे कॉन्सेप्ट का मैंने बताया तो इसी पे बेस्ड मैंने एक क्वेश्चन भी दिया इसी वजह से कि थोड़ा आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आप इसको खुद से लगाइएगा। मैंने आपको अप्रोच बता दी, सिंपल है, ये वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं, ये वाला सेकंड वाला जो क्वेश्चन है, फाइंड द अपेरेंट डेप्थ डी डैश ऑफ द फिश। अब इसमें डी डैश आप फिगर में देख ही रहे होंगे, एंगल 30, आई की वैल्यू दे रखी है, म्यू की वैल्यू दे रखी है, तो आप सबसे पहले इसमें क्या काम करेंगे, आप इसमें म्यू वन म्यू टू पता है आपको, ठीक है, एंगल 30 डिग्री आई की वैल्यू पता है, आर की वैल्यू निकाल लेना, स्नेल्स लॉ लगा के आर की वैल्यू निकाल के और फिर ये वाला फॉर्मूला आप लगा दोगे तो डी डैश आ जाएगा। इसमें डी डैश बोला मैंने एक्स डैश लिख दिया, ठीक है, तो ये इजीली किया जा सकता है क्वेश्चन, कोई टफ नहीं है। इसमें जो हमें क्वेश्चन 12 का जो बताने जा रहा था वो जरा देख लेते हैं क्वेश्चन 12 का, या इसमें एक चीज और कर लेते हैं क्वेश्चन 12 पे आने से पहले। इसमें अभी एक दो क्वेश्चन और मुझे नजर आ रहे हैं कि अगर इसमें कोई ऑब्जेक्ट अगर चल रहा हो, ठीक है, जैसे हम यहां से देख रहे हैं नॉर्मल इंसिडेंस के केस में, तो आप एक हेडिंग दे सकते हैं वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ इमेज
ठीक है, या मैं कहूँ एपरेंट वेलोसिटी, ऐसे भी कह सकते हैं एपरेंट वेलोसिटी ऑफ इमेज। तो हम यहां से देख रहे हैं, और ये नॉर्मल इंसिडेंस के केस में ही मैं बता रहा हूं, नॉर्मल इंसिडेंस बहुत आसान है। देखिए यहां से आप देख रहे हैं, और सपोज करिए यहां पे एक फिश है पानी के अंदर, सपोज आप देख रहे हैं ये फिश है, और ये फिश ऊपर की तरफ आ रही है किसी वेलोसिटी से, और लेट दैट वेलोसिटी इज वीओ, वीओ इज द वेलोसिटी। ठीक है, इसमें भी क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन मैंने इसमें दिया भी, आईआईटी क्वेश्चन है, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट में बता देता हूँ, बहुत आसान है, इजीली आप। तो अब इसमें ये एक्चुअल वेलोसिटी है इसकी, ध्यान रहे फिश जिस स्पीड से आ रही है, और आप यहां से देख रहे हैं, तो आपको बाहर से देखने पे एक्चुअल जो स्पीड है वो तो नजर आएगी नहीं, क्योंकि एक्चुअल डिस्टेंस भी कहां नजर आता है। तो होगा ये कि ये जो रियल डिस्टेंस है फिश का एक्स, वो नजर आएगा नहीं, फिश की इमेज थोड़ा ऊपर नजर आएगी यहां कहीं। ठीक है, ये इधर कहीं फिश की एक इमेज हम बना लेते हैं ऐसे करके, ठीक है, और ये वेलोसिटी ऑफ इमेज वी आई, तो ये जो डिस्टेंस है एक्स डैश, ठीक, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये आप कह सकते हैं ये फिश है, और ये इमेज है इसकी, इमेज ऑफ फिश। इसको कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ, भले मैंने फिश का एग्जांपल ले लिया, कोई आप डिफरेंट सिचुएशन भी ले सकते हैं। कैमरा फिर डिस्टर्ब हो गया, तो अब देखिए इसमें, तो यहां से देखिए एक्स डैश होता है हमारा एक्स अपॉन म्यू। मैं एक पॉसिबिलिटी लेके चल रहा हूँ, ये वाला मीडियम रेयरर है और ये वाला डेंसर है, राइट, ये पॉसिबिलिटी लेके चल रहा हूँ, तो म्यू से मैंने डिवाइड किया। अब ये देखिए फिश अगर चलेगी तो एक्स वेरी करेगा, और फिश चलेगी तो इमेज भी वेरी करेगी, यानी एक्स डैश भी वेरी करेगा, म्यू तो कॉन्स्टेंट रहने वाला है, तो हम इसको क्या करेंगे, एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे, तो डी एक्स डैश अपॉन डी टी और वन अपॉन म्यू, और ये आ जाएगा आपका डी एक्स अपॉन डी टी। ध्यान से देखो आपका आंसर आ चुका है, ये डी एक्स डैश अपॉन डी टी जो है दैट इज द वेलोसिटी ऑफ इमेज, दिस इज डी एक्स डैश अपॉन डी टी, और ये जो वी है दिस इज डी एक्स अपॉन डी टी, तो ये आ गया आपका वेलोसिटी ऑफ इमेज, और ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाई व्यू। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, ये अभी जो हमने निकाला वेलोसिटी ऑफ इमेज और ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाई म्यू तब किया जब हम रेयरर से देख रहे हैं, तो आपको पता है रेयरर से देखते हैं तो क्या होता है, रेयरर से जब देखते हैं तो क्या होता है, पास दिखाई देने का मतलब हमें छोटा करना होगा, यानी कि डिवाइड करना होगा। सेम यहाँ वेलोसिटी के लिए है कि हम रेयरर से देखेंगे तो वेलोसिटी, क्योंकि डिस्टेंस भी कम दिखाई देगा तो वेलोसिटी भी कम दिखाई देगी, तो कम वेलोसिटी करने के लिए क्या करेंगे, म्यू से डिवाइड करेंगे। अब सेकंड सिचुएशन है वो आप बना लोगे कैसे, कि अगर मान के चलिए उल्टा हो जाए, यहाँ लिक्विड में या पानी के अंदर कोई मान लीजिए स्विमर है, स्विमिंग पूल में तैर रहा है पानी में अंदर, और बाहर से किसी बर्ड को देख रहा है, बर्ड डाइव कर रही है, बर्ड को नीचे की तरफ आते हुए देख रहा है, तो जो स्विमिंग पूल में है, क्या हो गया इन लोगों की बार बार ये समझ में नहीं आता या क्या इसका कारण है, मे बी नेटवर्क, जब भी वीडियो थोड़ा हैंग करता है तभी हो जाता है, देखिए फिर हो गया ये नेटवर्क, जैसे वीडियो हैंग करता है अपने आप ये, और आप सोचिए कि नेटवर्क का कितना बड़ा इश्यू आपके साथ आता होगा। अभी मैंने अपने यहाँ स्पीड अपग्रेड करा के 100 Mbps की स्पीड है, तब ये मेरे यहाँ दिक्कत हो रही है, आप सोचिए 100 Mbps की स्पीड पे, तब है ये कहते हैं 5G लेके आएंगे, या 100 Mbps की स्पीड पे ये ऐसा, मुझे लगता नहीं 100 Mbps आती भी होगी, ठीक है, ये 5G क्या लेके आएंगे, 5G के नाम पे 3G की स्पीड सप्लाई करेंगे, अभी 4G में 100 Mbps की स्पीड में मुझे तो लगता है 1 Mbps की स्पीड भी नहीं आ रही होगी। और जो बच्चे नेटवर्क वगैरह की दिक्कत फेस करते हैं, गांव देहात या छोटी जगहों पर रह रहे हैं या मोबाइल पे यूज कर रहे हैं, अभी मेरे यहाँ तो फाइबर लाइन है तब 100 Mbps की स्पीड पे ये आलम है, आप सोचिए। अब जो आप मोबाइल पे करते होंगे तो मैं समझ सकता हूँ कि आप क्या प्रॉब्लम फेस करते होंगे, और उसी वजह से मुझे वीडियो अपलोड करने पड़ते हैं, क्योंकि आप में से काफी बच्चे हैं नेटवर्क इश्यू की वजह से नहीं कर पाते होंगे, वीडियो हैंग होता होगा, इंटरेस्ट ही नहीं बनता होगा, मैं बोल रहा हूँ मालूम पड़ा वीडियो पॉज हो गया, ठीक है,
वीडियो पॉज हो गया, तो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट बच्चे का। तो ये ऑनलाइन के ड्रॉबैक तो हैं, मैं कितना भी कुछ भी अच्छा कर लूँ, कुछ भी कर लें, लेकिन कुछ ड्रॉबैक तो रहते हैं। सबसे मेन क्या है कि वो स्क्रीन का है, आप इतनी छोटी स्क्रीन पर देखोगे लॉन्ग टाइम तक तो दर्द होगा आंखों में, करें क्या, मजबूरी है। तो ऑनलाइन तो एक ये है कि एक सब्सिट्यूट है, टेम्परेरी चल रहा है जब तक चला रहे हैं, ऑफलाइन को कभी रिप्लेस नहीं कर पाएगा। लेकिन ठीक है, शौक यह हो सकता है कि शौक पूरा हो गया, अब बीच में भी हो गया था, फिर ऑफलाइन शुरू हुई, फिर हो गया, अब क्या पता कोरोना जाएगा कि नहीं जाएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा इंडिया से लगाव हो गया। खैर देखिए, वी आई आ गया, वीओ अपॉन म्यू, वीओ अपॉन म्यू। अब ये तब हुआ जब हम रेयर से देख रहे हैं, अगर हम, मैंने कहा एक स्विमर पानी के अंदर होता, बाहर से एक बर्ड को डाइव करते हुए देखता, तो डेंसर से देखेंगे तो दूर दिखाई देगी, यानी डिस्टेंस ज्यादा दिखाई देगा, वेलोसिटी ज्यादा दिखाई देगी। तो जो डिवाइड किया है उसके बजाय क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, डिवाइड किया उसकी जगह मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सेम इसी तरह से फॉर्मूले मॉडिफिकेशन करेंगे, लेकिन ध्यान रखना यहाँ म्यू जब भी हम मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दें, म्यू की वैल्यू हमेशा डेंसर विद रेस्पेक्ट टू रेयरर ही लिखना है। इसमें कभी भी कोई गलती मत कर देना, क्योंकि मैं ऑलरेडी उसी हिसाब से चेंज करके आपको बता रहा हूँ, चेंज करके बता रहा हूँ किस तरह से ये चेंज होगा, राइट। तो सिचुएशन में डेंसर हो या रेयर हो, लेकिन म्यू की वैल्यू हमेशा डेंसर विद रेस्पेक्ट टू रेयरर ही आएगी। अब इसमें एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन हमें दिख जाएंगे वहां पे शीट में, और आपको मैं एक क्वेश्चन बता देता हूँ इसमें आईआईटी वाला जो दिया है, और उसके पहले एक जो क्वेश्चन है वो इजी है, आप कर लेना, थोड़ा आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो चलिए मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको। देखिए ये तो इजी है, फिश 5 मीटर पर सेकंड से आ रही है, म्यू की वैल्यू 4/3 और 1 दे रखी है, तो ये 5 से आ रही है, 4/3 से डिवाइड कर देना, क्योंकि 4/3 / 1 करोगे तो म्यू की वैल्यू 4/3 आ जाएगी, तो 5/4/3 तो 15/4, 3.75 आ गया, तुरंत आ गया। अब देखिए कोई इन नो टाइम, इन नो टाइम। अगला क्वेश्चन 4 वाला अच्छा है, ठीक है, हालांकि टफ नहीं है। अब इसमें क्या है, एक बॉल है जिसको किसी हाइट से हमने छोड़ दिया 20 मीटर से, और पानी के सरफेस के ऊपर, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द बॉल ऑब्जर्व बाय द फिश व्हेन द बॉल इज एट ए हाइट ऑफ 12.8 मीटर अबव द वाटर सरफेस। समझो पहले तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ देखने वाला कौन है, यहाँ देखने वाली है ये फिश, जो कि कैसे मीडियम में, डेंसर में, यानी कि हम ये कह सकते हैं बॉल की जो भी स्पीड होगी, जो भी स्पीड होगी वो इसको ज्यादा दिखाई देगी एक्चुअल से कि कम दिखाई देगी, पहले तो ये डिसाइड होना चाहिए। कुछ बोलोगे, ज्यादा 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 दिखाई देगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो एक्चुअल स्पीड पहले तो निकाल लेते हैं क्या होगी। तो 20 मीटर की हाइट से बॉल को छोड़ा है और कह रहा है कि पानी के सरफेस से जब हाइट 12.8 हो जाए, यानी बॉल गिर कितना चुकी है, 7.2 मीटर। आपको मेरी बात समझ में आई हो, कह रहा है कि जिस समय पानी के सरफेस से बॉल की हाइट 12.8 मीटर है पानी के सरफेस से, उस समय फिश को क्या स्पीड नजर आएगी। तो फिश को स्पीड तो तब नजर आएगी ना जब इसकी स्पीड हमें पहले पता लग जाए क्या होगी। तो हमको ये स्पीड जो निकालनी है, ये ध्यान रहे ये बॉल है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये कितना गिर चुकी है इस बात पर डिपेंड करेगी वेलोसिटी, इससे कोई मतलब नहीं, ये हाइट कितनी गिरी कितना है, तो गिरी है 7.2 क्योंकि 12.8 बची है। तो अब वेलोसिटी जब किसी हाइट से कोई ऑब्जेक्ट गिरता है तो आप जाते हैं √2gh होता है फॉर्मूला, √2g, g की वैल्यू हम 10 ले लेते हैं और h की वैल्यू 7.2, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो 72 to 144, ये स्पीड 12 मीटर पर सेकंड आई, लेकिन ये ऑब्जेक्ट की स्पीड है, ध्यान रहे ये किसकी स्पीड है, ऑब्जेक्ट की स्पीड है, और नीचे पानी 4/3 दिया है। तो आप मुझे एक चीज बताओ पहले, सबसे पहले कि ये जो 12 मीटर पर सेकंड आई, 7.2 मीटर गिर चुकी है, ये जो स्पीड आई 7.2 मीटर गिरने के बाद 12 मीटर पर सेकंड, तो फिश जो देखेगी वो यही देखेगी या इससे कम देखेगी कि ज्यादा देखेगी, बोलो। ज्यादा देखेगी, ज्यादा देखेगी, क्योंकि ये डेंसर में, ये रेयरर में, तो मैं क्या करूं, वी आई और वीओ है, तो म्यू से डिवाइड करूं कि मल्टीप्लाई करूं, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। तो अब भैया यहाँ पे वीओ आपका आ चुका है 12 मीटर पर सेकंड, और म्यू यहाँ पे ये 4/3 है, बाहर हवा है तो 1 है, तो 4/3 का 1 के रेस्पेक्ट में 4/3 ही रहेगा, और ये आपका 12 है, 12 इससे ये चला गया 4 टाइम्स,
तो 16 मीटर पर सेकंड स्पीड नजर आएगी। कितनी? 16 मीटर पर सेकंड नजर आएगी, ज्यादा नजर आएगी। ठीक है, आप इसको नोट कर लो। ठीक है, हो गया। चलिए आप देखिए, तो इस तरह के क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं, उनको आप सॉल्व भी कर सकते हैं। फिर इसमें ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ऑब्जेक्ट भी चल रहा हो, इमेज भी, ऑब्जेक्ट भी चल रहा हो और ऑब्जर्वर भी चल रहा हो, दोनों चल रहे हो, ऐसी पॉसिबिलिटी भी बन जाती है। ये आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, तो अब इसमें देखिए जो क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा था, क्वेश्चन नंबर 12 का कॉन्सेप्ट क्या है, वो है एपरेंट शिफ्ट। एपरेंट शिफ्ट ड्यू टू अ ग्लास स्लैब। ठीक है, ग्लास स्लैब कह लो या स्लैब कह लो, ट्रांसपेरेंट स्लैब कहना चाहिए। ठीक है, इसमें एक छोटा सा फॉर्मूला है जो आप आगे के लिए ध्यान रख सकते हैं। वो फॉर्मूला पढ़ तो चुके हो ऑलरेडी, बस उस सिचुएशन को आपको समझना है। तो दो तरह की सिचुएशन आती है यहाँ पे, कि जैसे ये क्लियर स्लैब है, इसकी मोटाई टी है और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। तो अब यहाँ ऑब्जेक्ट अगर रखा हुआ है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो रे ऐसे जाएगी यहाँ से, ठीक है, तो नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी और फिर ये ऐसे निकल जाएगी। ये रे ऐसे आई, फिर ऐसे मुड़ी और फिर ऐसे चली गई। तो यहाँ दो बातें समझने की हैं। पहली बात ये है कि ये जो रे है और ये वाली रे है, ये दोनों सेम मीडियम में है, तो दोनों क्या होंगी, पैरेलल होंगी। दोनों कैसी होंगी, पैरेलल। तो अगर ये एंगल अल्फा है, ध्यान से सुनना, ये एंगल अगर अल्फा है और इसको मैं अगर पीछे एक्सटेंड कर दूं, तो ये वाला जो एंगल आएगा दैट विल बी अल्फा ऑल्सो, ये एंगल भी अल्फा ही होगा। अब ये ऑब्जेक्ट है हमारा और ये यहां से कोई अगर देखेगा, ये भी एक तरह से नॉर्मल इंसिडेंस के केस में बता रहा हूं मैं, यहां से अगर देखूंगा तो एक तरह से ये समझो कि ये रे मुझे इसमें से आती हुई नजर आएगी। इधर क्या मीडियम, वो थोड़ी दिखाई देगा, क्योंकि डायरेक्ट मेरे कॉन्टेक्ट में मैं यहां खड़ा हूं, तो मेरे कॉन्टेक्ट में ये मीडियम है, तो मुझे ऐसा लगेगा इधर से आ रही, तो इसकी इमेज यहां बन जाएगी, इसकी जो इमेज है वो यहां बनेगी। तो ये जो शिफ्ट है, ये शिफ्ट पूछ लिया जाता है कभी कभी, और ये शिफ्ट आसानी से आप निकाल सकते हैं, जो हमने पीछे केस पढ़े थे उसी तरह से। तो शिफ्ट यहां जो आता है वो टी माइनस टी अपॉन यू आता है। जैसे आपको याद होगा एक्स माइनस एक्स डैश, एक्स माइनस एक्स डैश मैंने बताया था, उसी तरह से टी माइनस टी अपॉन यू। टी इसकी थिकनेस है ट्रांसपेरेंट स्लैब की, यू इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है, तो टी माइनस टी अपॉन यू आता है, और ये टी को आप कॉमन ले सकते हैं। ये शिफ्ट आ गया, ये एक पहली पॉसिबिलिटी है। और इस पहली पॉसिबिलिटी में आप अगर ध्यान दें, तो यहाँ जो रेज है, एक रे इधर भी मैं बना सकता था, यानी मेरे कहने का मतलब है कि आप एक रे ऐसे दिखाइए, फिर ये यहाँ आएगी, मैं यहाँ नॉर्मल से थोड़ा झुका दूंगा और फिर ये ऐसे जाएगी। तो आप चाहें तो इसको यहाँ इससे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, कनेक्ट कर लेंगे। ये एंगल अगर अल्फा है तो ये भी अल्फा हो गया, ये भी अल्फा हो गया। आईआईटी में एक सवाल आया था, इसमें मिल जाएगा आपको, और वो क्वेश्चन मैं यही बता रहा हूँ, आप बाद में मालूम पड़ा वही क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ, वही बच्चे डाउट में भी भेज देते हैं कि सर इसमें क्या होगा। तो आप मुझे पहले एक बात बताओ, क्वेश्चन क्या था, बस फिगर का ही अंतर है,
यहाँ पे जो फिगर मैंने बनाया स्लैब ऐसे है और उसमें स्लैब ऐसे रखी, आईआईटी का जो क्वेश्चन था उसमें पूछा था कि यहाँ से जो रे है, ध्यान से सुनना, यहाँ से जो रे है वो 2α के एंगल पे, मैंने दिखाया इसको, तो 2α के एंगल पे अगर इंसिडेंट करी जाएगी तो जब बाहर निकलेगी, जब बाहर निकलेगी तो इन दोनों रे के बीच में एंगल क्या होगा, बोलो। बोलो यार, सामने लिखा तो हुआ है 2α। आपको क्या समझना है इसमें, आपको ये समझना है कि ये जो इंसिडेंट रे है और ये जो ट्रांसमिटेड रे है जो बाहर निकल गया है, ये दोनों पैरेलल होती है, ठीक है। ये ट्रांसमिटेड रे और इंसिडेंट रे पैरेलल होती है, ये लेटरली शिफ्ट तो हो गई, लेटरली शिफ्ट हो गई। अभी लेटरली शिफ्ट का केस भी मैं बताऊंगा आपको, लेटरली शिफ्ट का केस भी मैं आपको बताऊंगा। तो लेटरली शिफ्ट यानी लेटरल का मतलब होता है परपेंडिकुलर, अपने परपेंडिकुलर शिफ्ट हो गई, यानी ये रे अपने परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में शिफ्ट हुई है। ये शिफ्ट पूछा जाता है, कितना होता है वो मैं बताऊंगा आगे, ठीक है। और ये, लेकिन ये और ये दोनों रे कैसी हैं, पैरेलल हैं। तो ये जो एंगल होगा वही एंगल यहाँ होगा। बच्चे को क्या लगता है कि ये एंगल बड़ा हो गया या छोटा हो गया, ऐसे करके बेब को बनाने के लिए पूछ दिया था आईआईटी में क्वेश्चन। लेकिन आप ध्यान रखना कि इंसिडेंट रे एंड इमरजेंट रे, ये इंसिडेंट रे है और ये इमरजेंट बाहर निकल रही है, इमरजेंट रे दोनों, ठीक है। तो यहाँ पे एक लाइन इसके नीचे आप लिख सकते हैं, इंसिडेंट रे एंड इमरजेंट रे, या बाद में लिखेंगे। एक केस और बताता हूँ, इसको बाद में बताऊंगा। अभी देखिए ये जो सिचुएशन आप देख रहे हैं, ये सिचुएशन में आप देखिए कि ये रे यहाँ से डाइवर्ज हो रही है, डाइवर्ज। एक केस कन्वर्ज का भी बनेगा, एक केस कन्वर्ज का भी बनेगा। शिफ्ट तो ये आ गया, इस शिफ्ट की हमें जरूरत पड़ेगी, इस फॉर्मूले को याद रखना, वो जो 12th वाला क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने में आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो अब ये डाइवर्ज का केस बता दिया, अब कन्वर्ज वाला केस देखो। ये स्लैब है और यहां से रे ऐसे करके आती है, यहां से ऐसे करके आती है, ये कन्वर्ज हो रही है, वो डाइवर्ज हो रही है। तो अब यहां ये नॉर्मल है, यहां ये नॉर्मल है, तो इससे ये ऐसे बेंड हो जाएगी, ऐसे बेंड हो जाएगी, और जब ये यहां निकलेगी तो ये फिर से ठीक है ऐसे, ठीक है। अब देखिए ये जो रे आ रही है यहां से, इसको अगर ये बीच में स्लैब नहीं आई, मोटाई टी है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी हुआ, अगर ये स्लैब बीच में नहीं आती तो ये रे यहां जाके मिल रही होती, इस पॉइंट पे मिल रही होती, लेकिन एक्चुअल में मिली यहां पे। तो ये भी इंसिडेंट रे और इसमें इमरजेंट रे, दोनों केस में ये पहला है, यहां आप लिख लेना डाइवर्जिंग रे या डाइवर्जिंग बीम कह सकते हो आप, डाइवर्जिंग बीम। और ये जो दूसरा केस है ये कन्वर्जिंग बीम, दोनों में कुछ खास बातें हैं। जैसे ये दोनों केस में जो शिफ्ट आता है सेम आता है, इन ईच केस शिफ्ट इक्वल टू टी टाइम्स 1 - 1/μ। पहली चीज, कुछ कॉमन बातें, दोनों केस ये हो या ये हो, दोनों केस में शिफ्ट जो होगा टी 1 - 1/μ होगा, एक बात। दूसरी बात, शिफ्ट हमेशा उसी डायरेक्शन में होता है, हमेशा उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में रे जा रही है, शिफ्ट उसी डायरेक्शन में होगा। जैसे इसमें आप देखिए ये यहां से यहां शिफ्ट हो गया तो ये शिफ्ट आ गया, तो ये रे इधर जा रही थी, लेफ्ट से राइट जा रही थी, तो शिफ्ट भी राइट में हुआ, शिफ्ट भी राइट में हुआ। और इधर भी ध्यान से देखो, ये भी शिफ्ट राइट में हुआ। और एक मजेदार बात यह है कि ये ऑब्जेक्ट कहा जाएगा और ये इसकी इमेज, लेकिन एक्चुअल में यहाँ रे नहीं है, एक्चुअल में यहाँ रे नहीं है। तो ये जो ऑब्जेक्ट आप देख रहे हैं ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज होगी, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज। और यहाँ पे पता है क्या है, ये रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज। एक और इंटरेस्टिंग बात आ गई, ठीक है। तो खैर, शिफ्ट जो होगा वो मैं लिख देता हूं, शिफ्ट इज ऑलवेज इन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस। इसमें भी आप ध्यान रख सकते हैं, तो कभी गलती नहीं होगी कि किधर होगा शिफ्ट, कितना होगा ये पता लग गया। अब शिफ्ट पता भी होगा कि किस डायरेक्शन में होगा, तो उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में रेज जाती हैं, तो रेज लेफ्ट से राइट जा रही है, तो शिफ्ट भी
लेफ्ट से राइट में होगा। तीसरी बात जो अभी मैंने बताई कि जो इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे होती है ये हमेशा पैरेलल होंगी, ये वाली रे और ये पैरेलल होंगी, तभी तो एंगल यहां से दोनों के बीच में जो था वही यहां पे। इसी तरह से यहां पे ये एंगल, सपोज करो ये एंगल 2 अल्फा अगर आता है तो ये एंगल भी 2 अल्फा आएगा। जैसे मैंने ये अल्फा और अल्फा कह दिया तो ऊपर वाला अल्फा और नीचे वाला भी अल्फा यानी 2 अल्फा। तो मैं ये कह रहा हूं इंसिडेंट रे एंड इमरजेंट रे आर पैरेलल, ठीक है, इनमें इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे पैरेलल है तो एंगल भी वही आएगा, ठीक है। इसके बाद यहां पर लेटरल शिफ्ट का केस और मुझे बताना है, और इसमें एक चीज जो मैंने बोली थी वो मैं लिख भी देता हूं क्योंकि बाद में आपको ध्यान रहे ना रहे, ये रियल ऑब्जेक्ट है और ये वर्चुअल इमेज है। ये बड़ी काम की बात है जो मैं बता रहा हूं, ये आपको लिखनी चाहिए, और इसमें ये आपका वर्चुअल ऑब्जेक्ट और ये यहां पर ये रियल इमेज, ठीक। तो ये आप नोट करिए, टाइम तो हो गया थोड़ा सा, तो 12th वाले क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा बता देता हूं। इसमें अभी एक केस और बचा है वो मैं आपको कल बताऊंगा, जिसमें लेटरल शिफ्ट आपने पढ़ा तो होगा, लेटरल डिस्प्लेसमेंट स्लैब की वजह से, वो आपने एक्सपेरिमेंट भी किया होगा कि एक स्लैब रखी होती है, एक साइड में एक लाइन खींच के पिन लगा देते हैं, दूसरी साइड से देखते हैं तो वो दूसरी लाइन में नजर आती है, जब आप खींच के स्लैब को हटाते हैं तो वो दोनों लाइन अलग होती है, तो लेटरल शिफ्ट यानी परपेंडिकुलर शिफ्ट है वो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। ये वाला शिफ्ट हम कैलकुलेट करेंगे अगले केस में, फॉर्मूला भी हो सकता है आपने याद किया हो, क्वेश्चन में यूज हो जाता है, ठीक है। तो ये आप फटाफट से नोट कर लो, ठीक है। चलिए मैं क्वेश्चन भी कल ही बताता हूँ, इजी है वैसे, 12th वाले को कर लेना, एचसी वर्मा का ही शायद क्वेश्चन है, और शिफ्ट निकाल के और वो मिरर को पूछा कितना शिफ्ट करना पड़ेगा, उसमें थिकनेस दे रखी है, वैसे क्वेश्चन इजी है, आप नोट करिए पहले इसको। चलिए तो कल हम क्वेश्चन करेंगे, एक लेटरल शिफ्ट का केस और रह गया वो बताऊंगा, एक दो क्वेश्चन इसका बता के फिर हम TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए रुकते हैं, आज यहीं पे रुकते हैं, मेरी अगली क्लास भी है।